सर, आज का सेशन रखवाने का हमारा मकसद क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगले सेशन में हमारे पास चीज़ें क्लियर होती जाएं। सर, मुझे ये पता है कि आप लोगों को F7 बहुत अच्छा आता है, आप लोगों की स्टैंडर्ड्स पे भी ग्रिप है, कंसोलिडेशन पे भी बहुत अच्छी ग्रिप होगी। सर, आप लोगों का मसला ये नहीं है कि आप लोगों को F7 नहीं आता, आप लोगों का मसला एक है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है थोड़ी सी कि यार सर, एक्सेल पे या वर्कशीट पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, सिर्फ मसला आप लोगों को यहाँ पे आता है। तो विफी ने आप लोगों के लिए एक सेशन अरेंज कराया कि अगर एग्जाम में तुम्हारे पास या तो कंसोलिडेशन का सवाल आएगा या फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा, इन दो में से कोई एक ही सवाल आएगा ना तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें वर्कशीट का यूज़ करना होगा, तो सर उस सवाल को हमें एग्जाम में सॉल्व किस पैटर्न में करना है, आज उसमें इंशाल्लाह हम सब चैंपियन बन के जाएंगे यहाँ से। सही है सर, सेशन का एजेंडा क्या है? आज हम दो सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा कंसोलिडेशन का, जिसमें हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना सीखेंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे इंडिविजुअल कंपनीज की। सर, रिक्वेस्ट ये है कि ये पूरा सेशन अटेंड करना तुम लोग के लिए ही फायदा है, इसके अंदर एंड में तुम लोग बहुत डिफरेंस फील करोगे। क्या हम स्टार्ट करें सेशन को, आगे बढ़ें? अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला सवाल है कंसोलिडेशन का, हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, वो तुम्हें एग्जाम में याद रखनी है। जब भी तुम्हारे पास सेक्शन सी का सवाल आएगा, सबसे पहले क्या करना है सर, सवाल को छोड़ के हम डायरेक्ट पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। सही है, आओ ज़रा रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। सर, हमें ये पता है, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बोलते हैं, पुराना नाम था बैलेंस शीट, अब इसका नाम चेंज कर दिया है थोड़ा सा, इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर पैरामिड एज एट 31 मार्च 2022। क्या रिक्वायरमेंट हम सबने पढ़ ली? रिक्वायरमेंट में से हमें सर दो तीन चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई कि नंबर वन सर, हमें बनानी है SOFP, और सर इसी रिक्वायरमेंट में से तुमने एक और चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि तुम्हारा ईयर एंड क्या है। सर, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2022। याद रखना, F7 के एग्जामिनर के लिए तुम्हारे पास डराने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेट्स में वो तुम्हें तंग करता है, इसके अलावा पूरा F7 हम लोगों को आता है। एग्जामिनर के लिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी डेट इंपॉर्टेंट है, खाली दोनों के पर्सपेक्टिव बड़े डिफरेंट है। तुम्हारे लिए किसी और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के लिए तुम्हें तंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सर, हमें सबसे पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है डेट को देख के, हमारा ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2022, ये तुम्हारे जहन में होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद तुम जाओगे बिल्कुल सवाल पे, जो उसका डीब्रीफ दिया हुआ होता है, आओ जरा उसको पढ़ते हैं पहले हम। ऑन 1 अप्रैल 2021 पिरामिड एक्वायर्ड 80% ऑफ स्क्वायर्स इक्विटी शेयर्स। सर, पी ने एस को एक्वायर किया, कितना एक्वायर किया? 80% किया, और किस डेट को किया? 1 अप्रैल 2021। जो जो चीज़ें तुम्हें एग्जाम में याद रखनी है ना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सर, क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले ईयर एंड डेट सर मैंने देख लिया, 31 मार्च 2022 थी। सर, अगली बात क्या चीज़ है तुम्हें? एक्विजिशन डेट, अगर कंसोलिडेशन का सवाल है, तुम्हें एक्विजिशन डेट याद रखनी है। सर, एक्विजिशन डेट क्या है मेरे सवाल में? सर, 1 अप्रैल 2021 इज़ योर एक्विजिशन डेट। जैसे ही तुम्हारे पास एक्विजिशन डेट आ जाए, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हें कंपनी एक्वायर किए हुए, पी ने एस को एक्वायर किए हुए कितना टाइम गुजर चुका है। सर, पी ने एक्वायर किया 1 अप्रैल 2021 को, और एग्जामिनर ने हमसे बैलेंस शीट मांगी है 31 मार्च 2022 की। इसका मतलब क्या हुआ सर? पूरा एक साल गुजर गया, अब जो भी वर्किंग होगी वो एक साल के हिसाब से होगी, बीच में टाइम अपोर्शन नहीं होगा। सर, वॉट इफ के अगर ये 1 अक्टूबर 2021 होता, तो सर हम 6 महीने के हिसाब से वर्किंग करते। तो सर याद रखिएगा हमेशा कि तुम्हारी एक्विजिशन डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईयर एंड डेट भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा बीच में टाइम लैग कितना है, ताकि तुम वर्किंग्स को आइडेंटिफाई कर सको। अगली चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है, तुमने कितने परसेंट एक्वायर किया है। सही है जी, क्या ये मेन तीन चीज़ें तुम सवाल देकर आइडेंटिफाई कर लोगे? नंबर वन ईयर एंड डेट, नंबर टू एक्विजिशन डेट, नंबर थ्री होल्डिंग परसेंटेज या एक्विजिशन परसेंटेज। सर, हमने बोल दिया 80% एक्वायर किया है, ईयर एंड डेट 31 मार्च 2022, और एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2021। अब छोड़ दो सवाल पूरा, सर कुछ नहीं करना अब तुमने। अब जाओ तुम्हारे अपने जो ब्लैंक वर्क स्पेस है उस पर चले जाते हैं। सर,
एग्जाम में तुम्हारा वर्क स्पेस बिल्कुल ऐसा ही आ रहा होगा, कुछ इस तरह का तुम्हारे पास वर्क स्पेस आ रहा होगा। तुम्हारी जो स्क्रीन की लेफ्ट साइड है, यहाँ तुम्हारा पूरा सिनेरियो गिवन होगा, पूरा क्वेश्चन गिवन होगा। इसके बाद सर यहाँ राइट साइड पे तुम्हें सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके बड़ा कर लें ताकि तुम लोग को आसानी हो। सर तुमने हेडिंग डाल दी, सबसे पहले क्या है? पैरामिड। सर हम क्या बनाने जा रहे हैं? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। सर ईयर एंड क्या है मेरा? सर 31st March 2022 बना लिया, एज एट 31st March 2022। क्या यहां तक हम सब क्लियर हैं? चैट बॉक्स आपके लिए दिया हुआ है, प्लीज क्लास को इंटरैक्टिव बनाएंगे, चैट बॉक्स को यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब तुम्हें सवाल में जो बैलेंस शीट दी हुई ना, उसको तुमने यहां छाप देना है, पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है पूरी बैलेंस शीट को तुम्हें यहां पे, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर कैसे? सर सवाल में बैलेंस शीट में क्या है? सर एसेट्स है और फिर नॉन करंट एसेट में पीपीई है। सबसे पहले तुमने हेडिंग डाली एसेट्स की और फिर तुमने अगली सब हेडिंग डाली नॉन करंट एसेट्स की। पहला नॉन करंट एसेट तुम्हारे पास क्या है? सर पहला नॉन करंट एसेट है मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुमने वहां जाके लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा सर बेसिक रूल हमें पता था कंसोलिडेशन का कि सर एसेट और लाइबिलिटीज पेरेंट और सब्सिडी के 100% ऐड होते हैं। ये सब हम पढ़ के आए। सर क्या एसेट और लाइबिलिटीज पी और एस के 100% ऐड होते हैं? जी सर होते हैं। सर कुछ भी नहीं करिएगा आप, कुछ जगह छोड़ के दोनों के एसेट और लाइबिलिटीज को प्लस कर देना। सर पैरामीटर के कितने हैं? 38,100 और स्क्वायर के हैं 28,500। 38,100 प्लस 28,500 आपने लिख दिया यहाँ पे। सर एक्सेल में प्लस करना हो तो कैसे? कोई भी किसी भी फिगर से पहले अगर आप इज इक्वल्स टू लगाएंगे और फिर फिगर लिख के बीच में प्लस लिखेंगे, दूसरी फिगर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस कर देगा। सर वापस कैसे करना है? इज इक्वल्स टू सर पहली फिगर क्या है? 38,100 प्लस 28,500। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? सर अगला नॉन करंट एसेट क्या है मेरे पास? इन्वेस्टमेंट। अब तुम्हारे पास सवाल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है तुमने सबको क्लब करके एक साथ लिख देना है, एक ही हेडिंग डालोगे इन्वेस्टमेंट्स। और सर इन्वेस्टमेंट कितनी आए जरा देखते हैं, 24,000 और 2,000। अब सर मुझे एक बात ये भी बताया कि जब भी कंसोलिडेशन का सवाल आता है सर गुडविल भी आती है एक अदद। सर गुडविल के आगे लिख दो वर्किंग वन। क्या ये क्लियर है यहां तक? इसकी वर्किंग करेंगे बाद में। सर कैसे करनी है, क्या करना है सब बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है सर सवाल में? इसके बाद है मेरे पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक। लिख देते हैं सर करंट एसेट में। करंट एसेट में पहला है मेरे पास इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स और फिर बैंक। सर इन्वेंट्री कितनी है आए ज़रा देखते हैं। सर इन्वेंट्री के 13,900 और 10,400 लिख दिया यहाँ पे। सर ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 11,400 प्लस 5,500। सर बैंक बैलेंस कितना है? 9,400 प्लस 600। क्या ये भी कर लिया? सर अगली क्या चीज है मेरे पास? सर इक्विटी की हेडिंग है, आए जरा इक्विटी डाल देते हैं। सर इक्विटी में क्या क्या चीजें हैं? नंबर वन है शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम और फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स। आए जरा लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम
और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी सवाल कुछ भी नहीं पढ़ रहा, जो लिखा हुआ है सब 100% यहाँ कॉपी पेस्ट में कर रहा हूँ, सही है। अच्छा सर हमें एक बात बताए, बताओ शेयर कैपिटल पेरेंट प्लस सब्सिडी होता है या सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का होता है? सर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का होता है, तो मैंने शेयर कैपिटल पेरेंट का लिख दिया 25,000। सर जिस तरह शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का लिखता हूँ तो शेयर प्रीमियम भी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आता है, सब्सिडी का नहीं आता, तो मैंने शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का लिख दिया 17,600। सर रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमें कोई फिगर नहीं लिखनी, इसको डायरेक्ट हम बोलेंगे वर्किंग से आ रही है, वर्किंग नंबर 2, सही है जी। अच्छा सर हमें पता है कि जब भी कंसोलिडेशन का सवाल होता है तो एक अदर चीज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आती है। सर पैरामिड ने 80% अक्वायर किया, 20% क्या चीज है? सर 20% है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो ये क्या है सर? और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के आगे तुमने लिख देना है वर्किंग 3। सर यही तीन वर्किंग से जो हम करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल की वर्किंग करेंगे, फिर हम रिटेन अर्निंग की वर्किंग करेंगे और तीसरी हम एनसीआई की वर्किंग करेंगे, इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन को आज इंशाल्लाह आसान बना के जाएंगे यहाँ से, सही है, और एक्स्ट्रा कोई वर्किंग नहीं करनी। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 रिटेन अर्निंग, नंबर 3 एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। सर अगली चीज़ मेरी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, मैंने हेडिंग डाल दी नॉन सर सवाल में नॉन करंट लाइबिलिटी का कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 16,400 प्लस 4,000। और इसके बाद क्या चीज है सर? इसके बाद सवाल में है करंट लाइबिलिटीज, उसका भी कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो मैंने इसको भी कर दिया करंट लाइबिलिटीज। सर कितनी फिगर है करंट लाइबिलिटीज की? 9,500 प्लस 5,000। अच्छा सर हमने पूरी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने? जी सर कर लिया। अब क्या करना है? अब हम पढ़ेंगे सवाल, या बल्कि सवाल से पहले भी चलो कुछ कहानी और आसान बनाते हैं। जो हमने तीन वर्किंग्स बनाई थी ना उसको कर लेते हैं। सर हमने तीन वर्किंग बनाई थी, वर्किंग 1 वॉज गुडविल, वर्किंग 2 वॉज रिटेन अर्निंग्स एंड वर्किंग 3 वॉज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आओ जरा उसका भी फॉर्मेट तुम लोगों को बता देता हूँ ताकि तुम्हारी कहानी रहे आसान। सर कुछ जगह छोड़ के आपने एक हेडिंग डालनी है वर्किंग नंबर 1, गुडविल। सर गुडविल की हमें वर्किंग पता थी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एस कंपनी, यही होती थी। सर इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है आए जरा सीखते हैं। सबसे पहले आप लिखें फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, इसके बाद आप कुछ भी हो दो लाइनें छोड़ देना, कुछ नहीं करना। दो लाइनें छोड़ने के बाद आप लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, फिर अगली लाइन में लिखो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन। अच्छा सर सब्सिडरी के नेट एसेट में क्या क्या होता था हमें पता था? सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी होता था, शेयर प्रीमियम भी होता था और रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती थी। सर मैंने लिख दी तीनों चीजें। ये क्या मेरी बेसिक वर्किंग होती थी? जी सर बेसिक वर्किंग होती थी। सर इसके बाद कुछ जगह छोड़ के आप अगली वर्किंग स्टार्ट कर दो, वर्किंग नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा सर रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग हमने क्या सीखी थी? सर रिटेन अर्निंग की वर्किंग सीखी थी हमने कि रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी एट बैलेंस शीट डेट। सवाल में सब गिवन होगा, बताऊंगा सर कैसे आनी है चीजें। सर फिर कुछ जगह छोड़ देंगे हम, फिर हम करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी एट बैलेंस शीट डेट लेस रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी
एट एक्विजिशन डेट, तो ये आते हैं मेरे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सर फिर कुछ जगह छोड़ देनी है आपने, चार पांच लाइनें, और आपने अपनी वर्किंग नंबर थ्री स्टार्ट करनी है। और वर्किंग नंबर थ्री क्या होती है सर? वर्किंग नंबर थ्री थी मेरी, अभी डिस्कस करके आए थे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। अब सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे होता है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन एड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी। सर ये दो चीजें होती थी हमारी। सर ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब कहानी क्या है सर? अब कहानी ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डाटा क्वेश्चन में जाना है, डाटा पिक करना है और यहाँ आके प्लॉट करना है। अच्छा सर, अगर सवाल आया, अगर गुडविल नहीं सर, अगर वर्किंग के वक्त हमें अगर रॉ ऐड करनी पड़ जाए तो क्या करें? देखो हमेशा याद रखना कि इसके अंदर कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, तो हमेशा एक काम करना कि कुछ सात आठ लाइनें छोड़ दिया करना जहाँ तुम्हें लगता है ना कोई एडजस्टमेंट आनी। अब मैं तुम्हें बताऊँगा मैंने कुछ जगहें क्यों छोड़ी हैं, तो मैं थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि सर जगहें किस लिए छोड़ रहे हैं, तो बताऊँगा मैं। अगली बात, अगर गुडविल में कंसिडरेशन डायरेक्ट लिख दूं तो उसकी वर्किंग कहीं और नहीं करनी? बिल्कुल, देखो अलग से करके क्या फ़ायदा, जब अगर तुम्हारे पास फॉर्मेट में डाल दें कि हमें यही करनी है वर्किंग। अगर मैं बोलता हूं कि तुम यहां पे डायरेक्ट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे लेट से 80,000 रुपये लिख रहे हो, फिर तुम्हें इसका ब्रेकअप कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना, तो मैं बोल रहा हूं इसका ब्रेकअप बिल्कुल इसके नीचे ही करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यार क्या करना है ब्रेकअप मेरा। अब जरा सवाल पढ़ते हैं हम लोग, सही है? ऑन 1st April 2021 पैरामिड एक्वायर्ड 80% ऑफ स्क्वायर्स इक्विटी शेयर्स बाय एन इमीडिएट शेयर एक्सचेंज एंड अ कैश पेमेंट ऑफ 88 सेंट्स पर शेयर पर एक्वायर्ड शेयर डेफर्ड अंटिल 1st April 2022। अच्छा सर, पी ने जब एस को एक्वायर किया तो पी ने क्या दो चीजें दी? सर पी ने दो चीजें दी, नंबर वन शेयर एक्सचेंज किया, नंबर टू सर बोला कि 88 सेंट्स पर शेयर दूंगा, जितने शेयर लूंगा हर शेयर के बदले 88 सेंट्स दूंगा। लेकिन कब दूंगा? सर लिखा हुआ है 1st April 2022 को दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या आज दिए? नहीं सर, ये वादा कर रहा हूं बाद में दूंगा। तो क्या तुम्हारे जहन में डेफर्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट आता है? जी सर, डेफर्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास। अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। पैरामिड हैज रिकॉर्डेड द शेयर एक्सचेंज बट नॉट द कैश कंसिडरेशन। बोला पैरामिड ने शेयर एक्सचेंज रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट नॉट द कैश कंसिडरेशन, बोला जो डेफर्ड कंसिडरेशन है वो रिकॉर्ड नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ सर? डेफर्ड कंसिडरेशन मुझे रिकॉर्ड करनी है। अब पैरामिड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अब सुनो जरा सर, ये जो इन्वेस्टमेंट गिवन है सवाल में, इन्वेस्टमेंट स्क्वायर और पेरेंट की बैलेंस शीट में आ रही है 24,000। सर ये क्या है? सर क्या मैं इसको बोल दूं? ये वही चीज़ है जो सवाल में लिखा हुआ है कि पी ने जब एस को एक्वायर किया तो शेयर एक्सचेंज दिया और कुछ डेफर्ड दिया, शेयर एक्सचेंज को रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या मैं बोल दूं ये शेयर एक्सचेंज वाली फिगर है? क्या मैं बोल दूं शेयर एक्सचेंज वाली फिगर है ये? तो सर अब जो हमने वर्किंग नंबर वन में जगह छोड़ी थी ना, यहाँ पे यहाँ लिख दो शेयर एक्सचेंज। और सर शेयर एक्सचेंज में कितनी फिगर लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा 24,000। सही है भाई, आगे पढ़ते हैं। सर अगली कंसीडरेशन है डेफर्ड कंसीडरेशन। सर डेफर्ड कंसीडरेशन के बारे में क्या लिखा हुआ था? सर 88 सेंट्स दूंगा पर एक्वायर्ड शेयर। क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड है? नहीं सर, वो तो मुझे कैलकुलेट करने हैं। सर कैलकुलेट कैसे होंगे? सर अगर मेरे पास एस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता हो तो उसको मैं अगर 80% से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड आ जाएंगे? जी सर आ जाएंगे। सर एस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कहाँ से मिलते हैं? सर एस कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से। सर सवाल में लिखा हुआ है एस कंपनी का शेयर कैपिटल है 10,000 और हर शेयर की वैल्यू है $1। तो ज़रा मुझे एक बात ये बताओ कि तुम्हारे पास एस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर 10,000 को जब मैंने $1 से डिवाइड किया तो मैंने कहा एस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स ही होंगे,
और मैंने कितने एक्वायर किए? सर मैंने एक्वायर किए हैं इसका 80%, तो मैंने बोला 8,000 शेयर्स मैंने एक्वायर किए। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? अब सर डेफर्ड कंसीडरेशन के बारे में क्या है? इज इक्वल्स टू 8,000 शेयर्स, और मैंने बोला हर शेयर के बदले कितने दूंगा? 88 सेंट्स दूंगा। तो मैंने 0.88 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर 0.88 क्यों? सर मैं डॉलर्स में वर्किंग कर रहा हूँ ना, तो 88 सेंट्स हैं, 88 डॉलर्स नहीं है, तो मैंने बोला 0.88 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन सर ये 7040 तो वैल्यू आई है, फ्यूचर वैल्यू आई है ना। सर डेफर्ड कंसीडरेशन के बारे में जब आप लोग कंसोलिडेशन का लेक्चर पढ़े थे, हमने क्या बोला था? सर ये किस चीज़ पर रिकॉर्ड होती है? सर हमने कहा था ये प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। तो सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको मैं क्या करूँ? डिवाइड कर दूँ 1.1 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो मेरी डेफर्ड कंसीडरेशन कितनी आ गई है? 6400। क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं? अच्छा अब बताओ सर, क्या ये डेफर्ड कंसीडरेशन रिकॉर्ड हुई हुई थी या मुझे रिकॉर्ड करनी है? क्या ये डेफर्ड कंसीडरेशन रिकॉर्ड हुई हुई थी या रिकॉर्ड करनी है? सर मैंने क्या किया? पहले मैंने 8,000 शेयर्स को 88 सेंट से मल्टीप्लाई किया, ये तो फ्यूचर में देने ना। लेकिन सर हमने क्या पढ़ा? डेफर्ड कंसीडरेशन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को क्या करूंगा सर? डिवाइड कर दूंगा फ्यूचर वैल्यू को, डिवाइड करूंगा डिवाइडेड बाय 1.1 यानी के डिस्काउंट फैक्टर से। अच्छा अब मुझे बताओ सर, क्या डेफर्ड कंसीडरेशन रिकॉर्ड हुई हुई है? नहीं सर, मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो सर रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? क्या मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली? इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं और डेफर्ड कंसीडरेशन डेबिट क्रेडिट करते थे। सर क्या रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट डेबिट करके डेफर्ड कंसीडरेशन रिकॉर्ड क्रेडिट करते थे? तो सर मैंने इन्वेस्टमेंट को भी डेबिट कर दिया। कितने से? सर वैल्यू आई थी 6400, मैंने डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। और अब बताओ ये डेफर्ड कंसीडरेशन करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है? बताओ डेफर्ड कंसीडरेशन करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है? सर करंट लाइबिलिटी है। नहीं करंट लाइबिलिटी है बेटा। क्यों? क्योंकि ये मेरा ईयर एंड क्या है? 31 मार्च X2 और ये 1 अप्रैल X2 को पे हो जाएगी। तो मैंने बोला करंट लाइबिलिटी में भी इसको ऐड कर दो प्लस 6400। कोई मसला आया था किसी को? अच्छा एक सवाल आया था डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 1 नहीं करेंगे। देखो अगर 1 रेस टू पावर 1 करूँ नहीं करूँ आंसर मेरा सेम ही आएगा ना। हाँ अगर 2 होता तो मैं डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पावर 2 करता, लेकिन 1 लिखो ना लिखो बराबर ही है ना। आगे चलते हैं। अच्छा सर हमें एक बात पता थी कि जब भी डेफर्ड कंसीडरेशन को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो क्या उसको ईयर एंड पे अनवाइंड भी करेंगे? क्या उसको ईयर एंड पे अनवाइंड भी करूंगा? बताओ डेफर्ड कंसीडरेशन को जब भी रिकॉर्ड करूंगा क्या अनवाइंड भी करूंगा? अब बताओ कितना टाइम गुजर गया है? सर कितना टाइम गुजर गया है मुझे एक्वायर किए हुए? 1 साल गुजर गया। जी सर 1 साल गुजर गया। तो बोला 1 साल के लिए इसको अनवाइंड कर दो। सर जरा मुझे एक जरा रिकॉल करते हैं, अनवाइंड की एंट्री क्या होती थी? अनवाइंड की एंट्री होती थी रिटेन अर्निंग डेबिट और डेफर्ड कंसीडरेशन क्रेडिट। सर अनवाइंड क्या करते थे? अनवाइंड करूंगा तो क्या प्रॉफिट्स कम होंगे? सर क्या जब भी डेफर्ड कंसीडरेशन को अनवाइंड करूंगा क्या मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे? जी सर प्रॉफिट्स कम होंगे। लेकिन सर प्रॉफिट किसके? पेरेंट के या सब्सिडरी के? सर प्रॉफिट किसके? पेरेंट के या सब्सिडरी के? जल्दी से जवाब दो सर। प्रॉफिट किसके? पेरेंट के या सब्सिडरी के? सर पेरेंट के कम होंगे। सर ये जो मैंने वर्किंग नंबर 2 में, अब बता रहा हूँ मेन बात, सर ये जो वर्किंग नंबर 2 में मैंने रिटेन अर्निंग्स में 2 अलग अलग पोर्शन बनाए हैं ना सर, वो क्या है? सर ये जो अपर पोर्शन है ये पेरेंट का एरिया है, सर ये लोअर पोर्शन है ये सब्सिडरी का एरिया है और कुछ भी नहीं है। सर ये अपर पोर्शन है पेरेंट का एरिया है और लोअर पोर्शन सब्सिडरी का एरिया है। अगर मुझे पेरेंट के एरिया में एडजस्टमेंट करनी है तो मैं अपर पोर्शन में करूंगा, अगर सब्सिडरी के एरिया में करनी है तो मैं लोअर पोर्शन में करूंगा। अब बताओ प्रॉफिट किसका कम होना है? पेरेंट का कम होना है या सब्सिडरी का कम होना है? सर मुझे बताएं पेरेंट का कम होना है या सब्सिडी का कम होना है? पेरेंट का कम होना है। तो मैं क्या करूंगा? लेस अनवाइंडिंग ऑफ डेफर्ड कंसीडरेशन। सर कितनी होगी? 6400 इंटू 0.1। कोई मसला? कोई मसला?
अब क्या हुआ सर, रिटेन अर्निंग्स तो मैंने कम कर दी, लेकिन साथ में क्या डेफर्ड कंसीडरेशन को भी क्रेडिट करते हैं ना सर, एंट्री क्या होती थी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डेफर्ड कंसीडरेशन क्रेडिट। तो डेफर्ड कंसीडरेशन को मैंने जब करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया हुआ है तो यहाँ पे 640 प्लस कर दूंगा। जब मैंने डेफर्ड कंसीडरेशन को करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया हुआ है तो क्या मैंने 640 यहाँ प्लस कर दिया, कोई मसला यहां तक किसी को? क्या था किसी को भी कोई मसला? अब सर जरा आगे बढ़ते हैं, सर जितना डीब्रीफ था वो हमने सब कर लिया। अब सर कुछ चीजें हमें लिखनी है ना, वर्किंग नंबर टू में फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड मेरी हो गई है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का भी डाटा आया नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एस कंपनी के लिए डाटा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या सब्सिडी का शेयर कैपिटल मुझे पता है? बिल्कुल लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो लिख देना, कोई मसला नहीं है। क्या मुझे सब्सिडी का शेयर कैपिटल पता है? जी सर पता है, 10,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 10,000 सही है। सर क्या सब्सिडी का शेयर प्रीमियम मुझे पता है? क्या सब्सिडी का शेयर प्रीमियम मुझे पता है? सर जीरो लिख दिया, जीरो लिखा हुआ है सवाल में, ये रहा, मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे, सही है। क्या सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट मुझे पता है? सर अभी नहीं पता, इसको बाद में बताऊंगा कहाँ से आती है ये। वर्किंग नंबर टू पे आ जाओ, क्या रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट कंपनी एट बैलेंस शीट डेट मुझे पता है? सर ये रही पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग्स। सर पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग्स दो हिस्सों में स्प्लिट हुई हुई है। नंबर वन, साल के स्टार्ट में 16,200 थी और इस साल प्रॉफिट हुआ 14,000 का। तो सर क्या मैं बोल दूँ 16,200 प्लस 14,000 इज इक्वल्स टू रिटेन अर्निंग्स ऑफ पी कंपनी एट बैलेंस शीट डेट? बोला ये दोनों जो तुम्हारी हैं, क्या मैं बोल दूं ये रिटेन अर्निंग्स ऑफ पी कंपनी एट बैलेंस शीट डेट है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सर आगे चलते हैं। सर अब मुझे क्या चाहिए? रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी। अच्छा याद रखना, अगर पेरेंट कंपनी का डाटा तुम कॉलम जी में लिख रहे हो ना, तो एस कंपनी का डाटा तुम उससे एक कॉलम इनर साइड पे लिखना, यानी कि एक कॉलम पहले लिखोगे। सर वजह बताऊंगा क्यों थोड़ी देर बाद। सर क्या एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एट बैलेंस शीट डेट मुझे पता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितनी होगी। एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एट बैलेंस शीट डेट जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। अच्छा सर 18,000 साल के स्टार्ट में थी और 8,000 प्लस इस दफा प्रॉफिट हुआ। तो सर अब क्या करेंगे हम? सर प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस ओपनिंग रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग्स एट बैलेंस शीट डेट हो गई। दोस्त ये ACCA के लेक्चर्स हैं ये। तो सर अब मैं क्या करूंगा, 18,000 प्लस 8,000, कोई मसला? अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट गिवेन है? नहीं सर नहीं गिवेन। लेकिन सर मेरी एक बात तो सुनो जरा, या तो एग्जामिनर तुम्हें स्ट्रेट अवे एट टाइम्स लिख के देता है कि एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पे इतनी थी, जो कि सवाल में गिवेन है, ये रही मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रही एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट, मेरे पास 18,000 रुपये गिवन है स्ट्रेट अवे। लेकिन वॉट इफ सर, अब अभी तो मैं थोड़ी देर के लिख देता हूँ यहाँ पे, एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स 18,000 है तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मेरा आ गया 8,000। अब एक टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल कह सकता है यहाँ पे। सर एग्जामिनर ने लेट्स से यहाँ पे स्प्लिट नहीं करके दिया तुम्हें, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है लेट्स से तुम्हारा, बोला है कि एस कंपनी की रिटेन अर्निंग्स 26,000 है, तुमने यहाँ लिख दिया 26,000 कहीं एट बैलेंस शीट डेट, यहाँ पे अलग अलग नहीं किया हुआ जैसे यहाँ किया हुआ है। और फिर अगली लाइन में तुम्हें लिख के दिया हुआ है कि एस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर 8,000 रुपये। अगर लिख के दिया है एस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर 8,000 रुपये, अब तुम देखो तुम्हें एक्वायर किए हुए कितने महीने हो गए। तो सर अभी एक केस लेते हैं कि सर मुझे पूरा साल हो गया, तो मैंने बोला
पूरा साल में जो प्रॉफिट हुआ वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, मैंने 8,000 पूरा यहाँ लिख दिया। इसका मतलब 26 में से 26 आज के दिन है, 8,000 पोस्ट है मेरा, तो 18,000 एट एक्विजिशन आ गया। सर व्हाट इफ कि अगर मैं सवाल में लिखा हुआ होता कि सब्सिडरी का पूरे साल का प्रॉफिट 8,000 रुपये है, लेकिन तुम्हें एक्वायर किए हुए सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, सवाल के स्टार्ट में तुमने आइडेंटिफाई किया होता कि तुम्हें 3 महीने एक्वायर किए हुए गुजरे, तो तुम क्या करते, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 करते कि यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तुम्हारा आता 2,000। तो सर रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट तुम्हारी कितनी आ जाती, फिर 24,000 आ जाती। इसीलिए मैंने कहा है कि तुम डेट्स को खास देखना, कंसोलिडेशन हो या फाइनल अकाउंट हो, स्टैंडर्ड्स तुम लोगों को आते हैं, तुम फंसते कहां हो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की वर्किंग में या डेट्स में। अब आगे बढ़ते हैं। सर जितना डाटा मुझे चाहिए था वो मैंने लिख लिया, अब जरा एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पैरामिट कंडक्टेड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज ऑन स्क्वायर्स नेट एसेट्स विच वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। बोला जब एक्वायर किया था तो हमने फेयर वैल्यू एक्सरसाइज की थी और हमने कहा कि तमाम एसेट और लाइबिलिटीज बराबर हैं, कुछ एक्सेप्शन के जो कि यहाँ लिखी हुई है। नंबर 1, एन आइटम ऑफ प्लांट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ $3 million अबव इट्स कैरिंग अमाउंट। बोला सब्सिडी का एक प्लांट था जिसकी कैरिंग वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू 3,000 ज्यादा थी उसकी कैरिंग अमाउंट से, तो क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में आता है? क्या फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में आता है? जी सर आता है। अब बताओ सर क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से तुम्हारा प्लांट बढ़ रहा है कम हो रहा है? जल्दी मुझे बताओ तुम्हारा प्लांट बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर मेरा प्लांट बढ़ रहा है तो मैंने यहां जाके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3,000 प्लस कर दिए, सही है? अगली बात सुनो सर, इस प्लांट के बढ़ने से एस कंपनी के नेट एसेट भी बढ़ रहे हैं ना। तो बोला गुडविल की वर्किंग में लिखो ना जाके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट कितने से, 3,000 से। कोई मसला? क्या कोई मसला? सर आगे बढ़ते हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years। बोला जब प्लांट बढ़ेगा तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन ही बढ़ेगी? क्या प्लांट बढ़ेगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी? जी सर बढ़ेगी। तो बताओ कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी? बोला प्लांट मेरा बड़ा है 3,000 से। सर प्लांट बड़ा है 3,000 से और उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। तो बोला 600 से तुम्हारी पर ईयर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगी। अब मुझे एक बात ज़रा ये बताओ कि तुम्हें एक्वायर किए हुए कितना टाइम गुजर गया? पूरे 1 साल गुजर गया? क्या पूरा 1 साल गुजर गया तुम्हें एक्वायर किए हुए? जी सर गुजर गया। तो बोला क्या पूरे 1 साल की एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तुम? क्या पूरे 1 साल की एक्सेस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे? अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो तुम यहां जहां मैंने 3,000 यहां प्लस किया है ना, मैंने तुम यहां माइनस कर देते, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में जहां मैंने प्लस में लिखा है तुम यहां माइनस में लिख देते, खत्म। अब सुनो सर, जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो क्या रिटेन अर्निंग कम होगी? सर क्या डेप्रिसिएशन के बढ़ने से रिटेन अर्निंग कम होती है? अब बताओ रिटेन अर्निंग किसकी कम होगी? सर प्लांट सब्सिडी का है तो रिटेन अर्निंग भी किसकी कम होनी चाहिए? सर प्लांट सब्सिडी का तो रिटेन अर्निंग भी सब्सिडी की कम। सर प्लांट सब्सिडी का तो रिटेन अर्निंग भी एस कंपनी की कम होनी चाहिए। तो मैंने बोला मैं एस कंपनी के पोर्शन में जाके लिखूंगा एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितना। सर अभी कैलकुलेट किया है 3,000 / 5। याद रखना हर फॉर्मूले से पहले इक्वल्स टू डाल दोगे तुम लोग। अच्छा सर क्या तुम्हारा रिटेन अर्निंग कम हुई तो साथ में प्लांट भी तो कम होगा ना तुम्हारा? क्या प्लांट भी कम होगा ना? तुमने पहले प्लांट 3,000 से बढ़ाया है लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो क्या उससे तुम्हारा प्लांट कम होगा? जी सर कम होगा। तो मैंने 600 तुम्हारे प्लांट में भी कम कर दिए। क्या यहाँ तक हम क्लियर हैं? सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्क्वायर हेड अनरिकॉर्डेड, अगली बात।
Square had unrecorded deferred tax liability of $1 million, which was unchanged at 31 March 2022. बोला सब्सिडी की एक अनरिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, क्या उसको अब रिकॉर्ड करना है? उसने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मुझे तो करना है ना रिकॉर्ड, जब एग्जामिनर ने दिया है तो क्या तुम्हारे जहन में अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है? जी सर आ रहा है। तो सर अब क्या करूं? अब बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी करंट होती है नॉन करंट होती है? बताओ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी करंट होती है नॉन करंट होती है? सर डेफर्ड टैक्स हमेशा 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 नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। सर डेफर्ड टैक्स हमेशा हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, तो क्या नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ा दूं? कितने से बढ़ाऊंगा? सर 1 मिलियन से, यानी कि मैं सारी फिगर्स 1000 में कर रहा हूं, तो मैंने बोला 1 मिलियन से मैंने अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा दिया, तो नॉन करंट लायबिलिटी है, मैंने क्या और मैंने प्लस 1000 कर दिए, कोई मसला? अच्छा सर जब मैंने नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ाई और तो क्या सब्सिडरी के नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट बढ़े या कम हुए? सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन बढ़े या कम हुए? लायबिलिटी के बढ़ने से नेट एसेट बढ़ते हैं कम होते हैं? सर अगर मैं लायबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे नेट एसेट कम होते हैं, तो मैंने बोला फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अब किसकी है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। मैंने यहाँ लिखा DTL और अब इसको मैंने माइनस में 1000 लिख दिया। जो भी एडजस्टमेंट करोगे ना डबल साइड पे इम्पैक्ट करते जाओगे, जो भी एडजस्टमेंट करोगे डबल साइड पे इम्पैक्ट करते जाओगे। अभी सब बताऊंगा, डॉलर साइन कैसे आएगा, जीरो किस तरह होंगे, सब बताऊंगा, अभी वेट करो थोड़ी देर, एंड में सारी फॉर्मेटिंग करवाऊंगा मैं तुम्हारी। सही है भाई? क्या यहां तक हमें कोई टेंशन तो नहीं है? क्या यहां तक हमें कोई टेंशन तो नहीं है? सब लोग जवाब दो प्लीज। आगे चलते हैं। पैरामिड्स पॉलिसी इज टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सही है सर, मुझे पता चल गया। फॉर दिस पर्पस अ शेयर प्राइस फॉर स्क्वायर ऑफ 3.50 ईच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द NCI। सर क्या यहां से मुझे ये पता चलता है ना कि फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन की वर्किंग मैं कर सकता हूं? क्या मैं फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन की वर्किंग कर सकता हूं? सर क्या मैं फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन की वर्किंग कर सकता हूं? जी सर कर सकता हूं। सर एस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? सर एस कंपनी के टोटल शेयर्स थे 10,000। सर पेरेंट के पास कितने थे? 80%। तो NCI के पास कितने होंगे? सर 20% कर दिया। और NCI के हर शेयर की वैल्यू कितनी है? सर 3.5। मैंने क्या किया? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय NCI मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ एस कंपनी। यहाँ कहीं लिख दूं NCI नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ एस कंपनी। या तो एग्जामिनर तुम्हें लिख के देगा फेयर वैल्यू ऑफ NCI एक्विजिशन है क्या? अगर नहीं दिया हुआ तो तुम इस तरह कैलकुलेट करोगे NCI नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ एस कंपनी। तो सर NCI के पास टोटल कितने शेयर थे? सर एस कंपनी के टोटल शेयर थे 10,000, पेरेंट के पास 80%, तो NCI के पास 20%। तो 10,000 का 20% क्या हो गया? सर 2,000। और एस कंपनी ही मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है, ये रही शेयर प्राइस फॉर स्क्वायर ऑफ 3.50 ईच, मैंने लिख दिया, कोई मसला? अच्छा सर फेयर वैल्यू ऑफ NCI एक्विजिशन क्या मुझे यहां भी लिखना था? क्या यहां भी मुझे करना है? जी सर करना था। तो मैंने क्या किया? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3.5। जहां जहां तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ NCI एक्विजिशन आ रहा था तुमने वहां वहां इसको रिकॉर्ड कर लिया। बता देता हूं अभी सर, सवाल आया अगर परसेंटेज अक्वायर्ड नहीं दी हुई तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड दिए। इस सवाल में लेट से तुम्हें गिवन होता कि तुमने 6,000 शेयर्स एस कंपनी के अक्वायर किए। एस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? सर 10,000। तुमने कितने अक्वायर किए? सर लेट से 6,000 अक्वायर किए तुमने, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो तुम्हारी परसेंटेज आ जाती है 60%। सही है भाई? अब अगली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पैरामिड सेल्स गुड्स टू स्क्वायर एट कॉस्ट प्लस 50%। सर क्या इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है? कौन किसको बेच रहा है? सर पी बेच रहा है एस को, पी बेच रहा है एस को कॉस्ट प्लस 50%। यानी कि क्या चीज है? सर ये हमने बोला अब मार्कअप है ये।
Below is a summary of the recorded activities for the year ended 31 March 2022 and balances as at 31 March 2022. बोला summary तुम्हें given है कि क्या क्या चीजें तुम्हारे पास हैं. अब सर सेल्स टू स्क्वायर पैरामिड ने सेल कितनी रिकॉर्ड की हुई है. सर पैरामिड बोल रहा है मैंने स्क्वायर को सेल की है 16,000 की. स्क्वायर बोल रहा है मैंने परचेजेस फ्रॉम पैरामिड में कितनी आ रही है 14,500. यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है. पी बोल रहा है मैंने एस को 16,000 की सेल की है. एस बोल रहा है मैंने 14,500 की परचेज की हुई है. आगे पढ़ते हैं. इंक्लूडेड इन पैरामिड्स रिसीवेबल. सर पी का रिसीवेबल कितना है. सर पी के रिसीवेबल में आ रहा है 4,400 और इंक्लूडेड इन स्क्वायर्स पेएबल. स्क्वायर बोल रहा है मेरे पेएबल में आ रहा है 1,700. तो डिफरेंस कितना हो गया है 4,400 माइनस 1,700 इज 2,700 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है. अब सुनो सर परचेज में डिफरेंस कितना आ रहा है. सेल परचेज में डिफरेंस आ रहा है 1,500 का और रिसीवेबल पेएबल में डिफरेंस आ रहा है 2,700 का. तो सर हमने कहा था अगर रिसीवेबल पेएबल में डिफरेंस आया तो हम लोगों ने पढ़ा होगा या तो कैश इन ट्रांजिट होता था या इन्वेंट्री इन ट्रांजिट भी होती थी. आओ जरा अगली बात पढ़ते हैं. सर क्या मुझे एक बात ये पता है कि जो भी आपस का रिसीवेबल पेएबल होगा उसको रिमूव करना है. क्या हमें एक बात ये पता है कि जो भी आपस का रिसीवेबल पेएबल होगा वो रिमूव करना है. सर क्या मुझे ये बात पता है. जी सर पता है. अच्छा अब बताओ रिसीवेबल कितना है. सर 4,400 का रिसीवेबल है. अब इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ जरा वाया डबल एंट्री. क्या रिसीवेबल रिमूव करने के लिए डेबिट करता हूँ क्रेडिट करता हूँ जल्दी मुझे बताओ. सर रिसीवेबल रिमूव करने के लिए डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं. सर ऑब्वियसली क्रेडिट करते हैं. तो मैंने बोला सबसे पहले तुम अपने पास कहीं साइड में लिख लो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बाय कितना आ रहा है 4,400. सही है. अच्छा सर पेएबल भी रिमूव करते हैं. मैंने बोला आपस का रिसीवेबल पेएबल रिमूव कर दो. तो मैंने बोला अकाउंट्स पेएबल जितना आ रहा है रिमूव कर दो. अकाउंट्स पेएबल डेबिट बाय कितने से 1,700. कोई मसला क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला है. नहीं सर होना नहीं चाहिए. अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं. ऑन 26 मार्च 2022 पैरामिड सोल्ड एंड डिस्पैच गुड्स टू स्क्वायर. किस दिन सर. साल खत्म होने से 3-4 दिन पहले पी ने एस को माल बेचा विच स्क्वायर डिड नॉट रिकॉर्ड अंटिल दे वर रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2022. पी ने कब बेचा है. सर पी ने बेचा है 26 मार्च को. एस के पास कब आया है. सर 2 अप्रैल को आया है. एस ने परचेज कब रिकॉर्ड की है. सर 2 अप्रैल को रिकॉर्ड की है. पी ने सेल कब रिकॉर्ड की है. सर 26 मार्च को. तो बताओ ईयर एंड पे ये माल कहाँ था. सर क्या रास्ते में एस के पास पहुँच चुका था ये माल ईयर एंड पे. जल्दी बताओ क्या ये माल ईयर एंड पे एस के पास पहुँच चुका था. नहीं सर नहीं पहुँचा था. तो सर हमने क्या बोला ईयर एंड पे ये माल कहाँ था. सर रास्ते में था. क्या रास्ते में था. जी सर रास्ते में था. इसको कहते हैं इन्वेंट्री इन ट्रांजिट. तो सर ये जो भी डिफरेंस है यहाँ पे क्या मैं इसको बोल दूँ ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का डिफरेंस है. क्या मैं ये जो डिफरेंस आ रहा है इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का डिफरेंस बोल दूं. रिसीवेबल परचेज और सेल में जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोल दूं इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का डिफरेंस है. तो मैंने बोला यहां लिख लो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट. इन्वेंट्री के नाम पे जो डिफरेंस आ रहा है 1,500 का आ रहा है. सही है जी. आगे बढ़ते हैं. ऑन 27 मार्च 2022 यानी साल खत्म होने से कितने दिन पहले. सर 3-4 दिन पहले स्क्वायर रेमिटेड टू पैरामिड अ कैश पेमेंट विच वॉज नॉट रिसीव्ड बाय पैरामिड अंटिल 4 अप्रैल 2022. बोला साल खत्म होने से कुछ दिन पहले एस ने पी को कुछ पेमेंट की. सर कितनी पेमेंट की सवाल में नहीं लिखा हुआ. अच्छा सर रिसीवेबल पेएबल में डिफरेंस कितना आ रहा था पहले. सर मैंने बोला रिसीवेबल पेएबल में डिफरेंस आ रहा था 2,700 का. 2,700 में से तुम ये कहोगे कि 1,500 का जो डिफरेंस है वो तो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है ना. क्या ये इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का डिफरेंस है. पी ने बोला मुझे एस से लेने 4,400. एस ने बोला भाई मुझे देने 1,700. डिफरेंस आ गया 2,700 का. जब इस डिफरेंस को रिकनसाइल करने के लिए मैंने डिग इन किया अपने अकाउंट्स में तो मैंने बोला 1,500 की इन्वेंट्री वो है जो इसके पास पहुंची ही नहीं है. तो बोला ये पेबल रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो मैंने बोला ये तो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है. ऐसा ये तो बचा 1,200.
यही है क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये 1200 के बारे में एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है? On 27th of March, X2 Square remitted to Pyramid a cash payment which was not received by Pyramid until 4th April 20X2. बोला Square ने, S ने P को कुछ payment किए जो कि अभी तक P को नहीं मिली है. आगे this payment accounted for the remaining difference on the current account. बोला ये वो payment है जो remaining difference को account for करेगी, यानी कि इस 1200 के difference को ये account for करेगी. तो मैं ये कहता हूँ ये मेरा है कैश इन ट्रांजिट, कोई मसला? तो मैंने बोला इससे तुम बैंक डेबिट कर दो 1200, कोई मसला यहां तक किसी को? क्या यहां तक किसी को कोई मसला? नहीं तो आओ जरा सा इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है आए सर हम सीखते हैं. सर मैंने अकाउंट्स पेबल सबसे पहले डेबिट किया है, कितने से किया है? सर अकाउंट्स पेबल मैंने डेबिट किया है 1700 से. तो अकाउंट्स पेबल डेबिट करता हूँ तो अकाउंट्स पेबल सर कम करता हूँ, एंड अकाउंट्स पेबल इज माय करंट लाइबिलिटी, तो मैंने करंट लाइबिलिटी में जाके 1700 माइनस कर दिया. सही है जी. सर फिर मैंने इन्वेंट्री डेबिट की, इन्वेंट्री डेबिट होती है इसका मतलब बढ़ती है, और इन्वेंट्री डेबिट हुई है 1500 से, तो मैंने जाके इन्वेंट्री को मैंने 1500 प्लस कर दिया. इसके बाद सर मैंने बैंक को डेबिट किया, और बैंक जब भी डेबिट होता है तो इंक्रीज प्लस इंक्रीज होता है, मैंने बैंक में जाके 1200 प्लस कर दिया. और फिर मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स में क्रेडिट किया है, अकाउंट रिसीवेबल को 4400 से क्रेडिट किया है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में मुझे माइनस करने 4400, मैंने 4400 माइनस कर दिए. क्या इस एडजस्टमेंट में किसी को भी कोई मसला? अब सुनो सर, जब भी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट होती है, सर जब भी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट होती है तो क्या मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है? सर क्या जो भी इन्वेंट्री रास्ते में होती है, या पी ने एस को बेची हो या एस ने पी को बेची हो, और वो ग्रुप से बाहर फर्दर सेल नहीं होती, तो क्या उस पर अनरियलाइज का प्रॉफिट आता है? सर जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हो और वो अभी तक ग्रुप से बाहर नहीं बिकी हो, तो क्या उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है? जी सर आता है. तो अब बताओ पी ने एस को बेची, क्या पी ने एस को बेची और क्या एस को मिल गई अभी तक? नहीं सर नहीं मिली. तो क्या एस ने आगे फर्दर सेल कर दी होगी ये इन्वेंट्री? जब एस को मिली ही नहीं है तो एस ने आगे फर्दर सेल भी नहीं की. अब मेरी एक बात सुनो, किसने अनरियलाइज प्रॉफिट किसकी बुक्स में आ रहा है? पी की बुक्स में आ रहा है या एस की बुक्स में आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट किसकी बुक्स में आ रहा है, पी की बुक्स में आ रहा है या एस की बुक्स में आ रहा है? सर अनरियलाइज प्रॉफिट किसकी बुक्स में आ रहा है? सर पी की बुक्स में आ रहा है. तो क्या वहीं से हटाऊंगा जाके मैं? तो मैं रिटेन अर्निंग की वर्किंग में चला गया, लेस यू आर पी ऑन इन्वेंट्री इन ट्रांजिट. अब सुनो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट की वर्किंग के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मेट बताता हूँ किस तरह करना है. सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट, यहाँ तुमने परसेंटेज में काम करना है और फिर तुमने यहाँ डॉलर्स में काम करना है. बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? सर क्या प्रॉफिट परसेंटेज 50 है? क्या प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हारा 50 है? क्या प्रॉफिट परसेंटेज तुम्हारा 50 है? लेकिन सर 50% ऑफ व्हाट है? सर 50% ऑफ कॉस्ट है. क्या लिखा हुआ है? सर 50% ऑफ कॉस्ट, यानी कि मेरी कॉस्ट 100% है. तो सेल मेरी कितने परसेंट होगी? 150% हो जाएगी. क्या सेल्स मेरी 150% हो जाएगी? जी सर हो जाएगी. अब बताओ ये जो 1500 है क्या सेल है परचेज है? क्या ये 1500 तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है सेल्स है परचेज है? सर ये तो सेल्स वैल्यू है ना. पी ने बोला मैंने एस को इतने 1500 की सेल की है, जो एस ने अभी तक एस परचेज रिकॉर्ड नहीं की, तो तुम सेल के कॉलम में $1500 लिख दोगे. अब मुझे पता है 1500 किसके बराबर है? सर 150 के बराबर है. तो मैंने 1500 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो क्या मेरा प्रॉफिट आ गया? अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा 500 आ गया. क्या मार्कअप मार्जिन वाले फॉर्मूले से तुम अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल सकते हो? जी सर निकाल सकते हैं. तो मैंने बोला 500 मैंने यहाँ माइनस कर दिया. पी का रिटेन अर्निंग्स, पी के प्रॉफिट बढ़े हुए थे, इसका मतलब पी की रिटेन अर्निंग बढ़ी हुई थी. मैंने बोला ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसको मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया. मैंने कोई मसला? क्या कोई मसला यहाँ तक किसी को?
क्या कोई मसला है तो किसी को प्लीज जवाब दे दें। अच्छा सर, इसका आप सेकंड इंपैक्ट क्या है? मैंने बोला मैंने पी की रिटेन अर्निंग भी कम कर दी, लेकिन साथ साथ मैं क्या करूंगा, क्या इन्वेंट्री भी तो कम करूंगा ना। तो बोला इन्वेंट्री में भी जाके तुम 500 माइनस कर दो, साथ साथ तुम इन्वेंट्री में भी जाके 500 माइनस कर देना। क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई है? अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी एडजस्टमेंट, द अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ पैरामिड। सर सवाल में देखें कोई अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट गिवन है? जी सर गिवन है। कितने की गिवन है सर? 2000 की बैलेंस शीट में आ रही है। किसकी बुक्स में आ रही है? सर पेरेंट की बुक्स में 2000 की इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब्सिडी की बुक्स में जीरो आ रही है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आओ पढ़ते हैं। द अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ पैरामिड आर कैरीड एट फेयर वैल्यू ऑन 1st April 2021। सर ये जो 2000 है ये कब की वैल्यू है? सर ये 1st April 2021 की वैल्यू है। एट 31 March 2022 दीज हैज इंक्रीज टू 2.8 मिलियन। सर ईयर एंड में कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 2.8 मिलियन हो चुकी है। अब मुझे जरा एक बात ये बताओ, क्या ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी? क्या ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? क्या ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? जी सर बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? सर 800 से बढ़ी है। तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट में जाके 800 प्लस कर दूं? क्या मैं इन्वेस्टमेंट में जाके 800 प्लस कर दूं? क्या मैं इन्वेस्टमेंट में जाके 800 प्लस कर दूं? जी सर कर दिया। अगला इंपैक्ट कहां जाएगा सर इसका? सर अगला इंपैक्ट सुनो, सर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो क्या पी का प्रॉफिट बढ़ा? क्या ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो पी का प्रॉफिट बढ़ा? जी सर बढ़ा। जब पी का प्रॉफिट बढ़ा तो क्या पी की रिटेन अर्निंग बढ़ी? जी सर बढ़ी। तो आओ जरा लिखो ना यहाँ पे के गेन ऑन फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, कितने का? 800 का। क्या यहां तक किसी को कोई मसला है? क्या यहां तक किसी को कोई मसला? जल्दी जाओ ताकि आगे बढ़ जाए हम लोग। दोस्तों क्या यहां तक किसी को कोई मसला है? नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। अब सुनो सर, जितनी एडजस्टमेंट थी सब कर ली। अब जो तीन वर्किंग्स है ना हमें उनको फाइनल करना है। सबसे पहले तुम अपनी कंसीडरेशन जितनी भी है उसको टोटल कर लो। सर 24,000 प्लस 6,400 कर लिया। सर शेयर कैपिटल लिख लिया। क्या रिटेन अर्निंग्स तुमने कैलकुलेट की हुई थी नीचे एट एक्विजिशन, वहां से कैलकुलेट ले आओ यहाँ पे। क्या रिटेन अर्निंग्स ऑफ एस कंपनी एट एक्विजिशन डेट तुमने 18,000 कैलकुलेट की हुई थी? सर की हुई थी, मैं यहाँ ले आया। अगला स्टेप तुम क्या करोगे? सर इसको सम कर लो। सम कैसे करते हैं? इज इक्वल्स टू करके सम कर दो और अपने सेल्स सेलेक्ट कर लो। क्या तुम्हारे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ गए तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ गए तुम्हारे पास? अब गुडविल क्या होती है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। क्या तुम्हारी गुडविल आ गई? क्या तुम्हारी गुडविल आ गई है? क्या तुम्हारी गुडविल आ गई है? जी अब चलो सर अगला स्टेप क्या करेंगे हम? एस कंपनी का एडजस्टेड रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 800 इज इक्वल्स टू सम कर दो यहां से। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बाद तुमने जो भी एडजस्टमेंट की है वो लिख लो यहां पे, कोई मसला? अच्छा सर हमने क्या किया, मैंने एस कंपनी की एडजस्टेड रिटेन अर्निंग भी निकाल ली। सर कैसे निकली? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बाद तुम जो भी एडजस्टमेंट करोगे ना उसको तुम सम कर लोगे तो तुम्हारी एडजस्टेड रिटेन अर्निंग ऑफ एस कंपनी आ जाएगी। अब मेरी एक बात जरा ये सुनो सर, एस कंपनी के कितने हिस्सेदार है? सर एस कंपनी का नंबर वन इज पेरेंट ओनर है और फिर कुछ हिस्सा एनसीआई का है। तो बताओ पेरेंट का एस कंपनी में शेयर कितना है? सर 80% है। तो एस कंपनी के जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें 80% शेयर किसका है? सर पेरेंट का है। तो याद रखना इसको तुम क्या करोगे, पेरेंट्स शेयर
एट जितने परसेंट है यहाँ लिख दिया 80%, सही है। क्या करोगे इज इक्वल्स टू, तुमने जो एडजस्टेड रिटेन अर्निंग आई है ना उसको तुम 80% से मल्टीप्लाई कर देना। अब सर क्या मेरा पेरेंट का शेयर आ गया 5920? जी सर आ गया। अब क्या रिटेन अर्निंग को भी मैं सम कर लूं, कितनी मेरी रिटेन अर्निंग हुई है? तुमने इस पूरी वर्किंग को कर लिया सम, तुम्हारी रिटेन अर्निंग आ गई है 35,780। अगली वर्किंग मेरी कौन सी है सर? अगली वर्किंग है मेरी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की मैं वर्किंग कर रहा हूं, उसमें क्या आता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, और उसमें ऐड करता हूं शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी। सर वो किस तरह आता है? सर एस कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मैंने कितना कैलकुलेट किया हुआ है? सर मैंने 7400 कैलकुलेट किया हुआ था। जी सर किया हुआ था। अभी हमने एक बात डिस्कस की थी कि 80% कौन है? सर 80% है पेरेंट, 20% है एनसीआई। तो मैंने बोला 7400 को तुम 20% से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमने एनसीआई भी कैलकुलेट कर लिया 8480 का। कोई मसला तो नहीं आता किसी को? अब सर क्या बैलेंस शीट को फाइनल करते हुए चले? क्या गुडविल मैंने कैलकुलेट की हुई अपनी? गुडविल को नीचे से रेफर कर देते हैं वर्किंग से, 7400 इक्वल्स टू डाला और तुमने जाके सेल से रेफर कर दिया। सर फिर वर्किंग नंबर टू मेरी रिटेन अर्निंग थी, वहाँ इक्वल्स टू डाला और जाके वर्किंग नंबर टू में जाके क्लिक कर दिया। वर्किंग नंबर थ्री नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, इक्वल्स टू डाला तुमने और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वर्किंग से जाके तुमने रेफर कर दिया। क्या कोई मसला? सर आखिरी काम तुम्हें करना है, जो तुम्हारी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड आई है ना, यानी कि 30,400, जो भी तुम्हारी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेड आई है ना उसको तुम क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दोगे। कितनी आई है? 30,400, उसको तुम क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देना, माइनस 30,400, सही है जी। अब सुनो सर मैंने पूरी बैलेंस शीट बना ली है, पूरी पोस्टिंग कर ली है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ जो भी करना है सिर्फ पूरी बैलेंस शीट की टोटलिंग करनी है। एसेट का टोटल कितना हुआ मेरा, इन तीनों का सम कर लिया मैंने, नॉन करंट एसेट का टोटल हो गया। सर करंट एसेट का टोटल मेरा कितना हुआ, ये मैंने टोटल कर लिया, और मेरे टोटल एसेट कितने हो गए, 128,200। सर फिर मैंने इक्विटी का टोटल कर लिया, सर नॉन करंट लाइबिलिटी में और कुछ नहीं है तो यही लिख दी मैंने, करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है, और फिर मैंने इक्विटी करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटी को टोटल कर दिया, ये टोटल मेरा हो गया 128,200। अब मुझे एक बात जरा ये बताओ, क्या मेरी बैलेंस शीट की फुटिंग मैच हो गई है? क्या मेरी बैलेंस शीट की फुटिंग मैच हो गई है? अब सर हम ये देखते हैं कि हमारा ये सवाल कितनी देर में हुआ है। सर हमने प्रॉपर इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तकरीबन 50-55 मिनट लगे हमें ये सवाल सॉल्व करने में, जो कि हम समझ समझ के इसको डिस्कस करके करते जा रहे थे ये क्या चीज क्या होती है। लेकिन अगर तुम एग्जाम में इसको करोगे क्या 30-35 मिनट में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है? क्या एग्जाम में करोगे तो 30-35 मिनट्स में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है? क्या अब तुम्हें समझ आ गया कि इसको एग्जामिनर एग्जाम में तुम्हें अगर कंसोलिडेटेड एसओएफपी मिले तो तुम इसको किस तरह प्रेजेंट करना है तुम्हें? क्या एग्जाम में तुम्हारे पास कंसोलिडेटेड एसओएफपी आए तो क्या तुम्हें बताया ना इसको किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है? इसके रिकॉर्ड लेक्चर बिल्कुल विफी के यूट्यूब लेक्चर से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। क्या कंसोलिडेशन का डर खत्म हो गया हमारा? क्या कंसोलिडेशन का डर खत्म हो गया हमारा? अब तो नहीं डर हो गया इंशाल्लाह। क्या फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़े? क्या हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ें? क्या हम फाइनल अकाउंट्स के सवाल की तरफ बढ़ें?
अच्छा, क्या कंसोलिडेशन में तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या कुछ थोड़ा डर खत्म हो गया हमारा कंसोलिडेशन का? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल। सर, जिस तरह हमने कंसोलिडेशन में एक बात की थी कि हमने कंसोलिडेशन में सबसे पहले कुछ चीज़ें सवाल में आइडेंटिफाई करनी है और रिक्वायरमेंट पढ़नी है, फाइनल अकाउंट्स में भी यही करना है कि तुम्हें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। और रिक्वायरमेंट वो क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन द अबव ट्रायल बैलेंस टू गिव द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ट्रायल्स कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 एज अ रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन नोट्स 1-4 अबव। सर, आसान भाषा में ये कह रही है कि तुम्हें एक रिवाइज प्रॉफिट निकालना है ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 का। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें सवाल में कोई प्रॉफिट दिया होगा, उसको बोला तुम्हें रिवाइज करके निकालना है। नंबर टू, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2006। सर, दूसरी क्या चीज़ है 31 मार्च 2006 पे? सर, वापस आते हैं हम लोग। इसको करने का तरीका क्या है? सर, कंपनी का नाम क्या है मेरा? ट्राइज वर्किंग ऑफ रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। अच्छा, हेडिंग डाल दी। इसके बाद एक काम करना सर, कम से कम भी 10 लाइनें तुम लोग छोड़ देना, 12 लाइनें छोड़ देना और अगली रिक्वायरमेंट पे आ जाना। अगली रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? सर, मुझे बैलेंस शीट बनानी है। ट्राइज अब क्या बना रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2006। क्या क्लियर है ये बात? क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन सामने आएगा तुम्हारे। अब जब तुमने ये कर लिया ना, इसके बाद तुम्हें सवाल में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उस ट्रायल बैलेंस को तुम्हें इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना है तुमने। तुमने डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है। सर, एडजस्टमेंट नंबर वन पर तुम्हें यहां से सवाल पढ़ना शुरू करना है। द फॉलोइंग इन नोट्स आर रेलेवेंट है, तुम्हें यहां से सवाल पढ़ना शुरू करना है, ट्रायल बैलेंस को छोड़ देना। तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है? द फॉलोइंग नोट्स आर रेलेवेंट, और बैलेंस शीट के बाद भी तुम्हें तकरीबन 20 लाइनें छोड़ देनी है, 20-30 लाइनें छोड़ देना। अब नोट नंबर जो होगा वो तुम्हारा वर्किंग नंबर वन होगा। सर, वर्किंग 1 सही है जी। नोट नंबर 1 पढ़ते हैं। अब तुमने क्या करना है? सर, जो भी तुम्हारी एडजस्टमेंट हो, नोट हो ना, तुमने वो पढ़ के चीज आइडेंटिफाई करनी है, अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टैंडर्ड के किस एरिया को टेस्ट कर रही है। जरा पढ़ना शुरू करते हैं। ट्राइज कंपनी इशूड $400,000 106% कन्वर्टेबल लोन नोट्स ऑन 1st April 2005। सर, ईयर एंड क्या है मेरा? 31 मार्च 2006 है। बोल रहे साल के पहले दिन तुमने कुछ कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशू किए। इसका मतलब क्या हुआ? सर, IFRS 9 है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसमें कन्वर्टेबल वाला एरिया है ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई मसला नहीं। अब तुम्हारे जहन में फौरन एक पिक्चर आनी चाहिए कि यार, कन्वर्टेबल में स्प्लिट अकाउंटिंग होती थी, हम लायबिलिटी और इक्विटी को अलग अलग करते थे। जैसे ही तुम्हारे पास कन्वर्टेबल का सीन आए ना, तुमने कन्वर्टेबल वाली वर्किंग बना देनी है। सर, क्या होती थी? सर, हम कन्वर्टेबल में इक्विटी और लायबिलिटी को अलग अलग कैसे करते थे? सर, कैसे? डेट, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। सही है। अब सुनो सर, कन्वर्टेबल का देखो लायबिलिटी तुम्हारी कितनी रिकॉर्ड हुई हुई है। अब ट्रायल बैलेंस में जाके देखो, अब तुमने कन्वर्टेबल के नाम पे कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है? सर, 40,000 की लायबिलिटी मैंने रिकॉर्ड की हुई है। यानी कि ये जो लोन नोट है, इनकी पार वैल्यू क्या है? लायबिलिटी में तुमने रिकॉर्ड किया हुआ है 40,000। क्या सही किया हुआ है? नहीं भाई, गलत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सर, हमने IFRS 9 में पढ़ा था, कन्वर्टेबल में हम करते हैं स्प्लिट अकाउंटिंग, जिसमें नंबर वन लायबिलिटी और नंबर टू इक्विटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम लोग। ऐसा ही है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है? सर, इसका कूपन रेट कितना है? 6% है। यानी कि मैं पर ईयर कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँगा? सर, मैं पर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इज इक्वल्स टू
2400, सही है जी। अब द लोन्स मैं कब कब इंटरेस्ट पे करूंगा? सर मैं हर 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करूंगा। आगे पढ़ते, द लोन्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 20 शेयर्स फॉर ईच डॉलर 100 लोन नोट ऑन 31 मार्च 2008। कितने टाइम बाद सर ये कन्वर्ट होंगे? सर पहली अप्रैल 2005 को मैंने इशू किया, 31 मार्च 2006 पहला साल, 31 मार्च 2007 दूसरा साल, 31 मार्च 2008 तीसरा साल। बोला 31 मार्च 2008 को चाहो तो तुम कन्वर्ट करा लेना और रिडीम्ड एट पार फॉर कैश ऑन द सेम डेट। अगर बोला कन्वर्ट नहीं कराने तो उसी दिन उस इतने की तुम अपने पैसे वापस ले लेना। एंड इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन राइट वुड हैव रिक्वायर्ड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। यानी कि अगर कोई ऐसा लोन नोट तुम इशू करते जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं होता तो तुम्हें कितने परसेंट लोन मिलता? 8% पे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 6% and 8% आर गिवन बिलो। अब सर क्या करते हैं? सर हम कन्वर्टेबल के केस में स्प्लिट अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि लाइबिलिटी को भी कैलकुलेट करते हैं और इक्विटी को भी कैलकुलेट करते हैं। सर हमने बोला लाइबिलिटी क्या होती थी? लाइबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। लाइबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा सर? 31 मार्च 2006 को क्या मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ? जी सर करूँगा मैं 31 मार्च 2006 को। कितनी पेमेंट करूँगा? सर मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करूँगा। कितना पेमेंट करूँगा? 40,000 का 6% इंटरेस्ट पे करूँगा। फिर 31 मार्च 2007 को भी पे करूँगा? जी सर करूँगा। फिर 31 मार्च 2008 को भी तीसरे साल में भी इंटरेस्ट पे करूँगा? जी सर करूँगा। कितना करूँगा सर? यही करूँगा 24,000। क्या 31 मार्च 2008 को क्या मुझे अपने पैसे भी वापस देने पड़ेंगे? क्या 31 मार्च 2008 को तुम्हें अपने पैसे भी वापस देने पड़ेंगे? कितने? बोला ये एट पार रिडीम होगा, तुम पार पे इसको रिडीम करते हो, यानी कि तुम्हें 40,000 भी शायद वापस देने पड़ेंगे। सर ये तो फ्यूचर कैश फ्लो है ना? जी सर ये फ्यूचर कैश फ्लो है। अब मुझे क्या करना है सर? मुझे इनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, तो मैं क्या करता हूँ सर? फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। जी सर आ जाती है। अब सवाल ये है सर कि मुझे डिस्काउंट फैक्टर 6% वाला लेना है या 8% वाला लेना है? याद रखना IFRS 9 ये कहता है कि तुम डिस्काउंट फैक्टर हमेशा वो लोगे जो कि नॉन कन्वर्टेबल लोन नोट का होगा। क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर? मैं लाइबिलिटी का एलिमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। तो IFRS 9 ने तुम्हें कहा कि देखो कि अगर तुम नॉन कन्वर्टेबल लोन नोट इशू करते तो तुम्हें कितने पे इशू करना पड़ता? हमने बोला हमें 8% पे इशू करना पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये वाला डिस्काउंट फैक्टर ले लेना, सही है। तो सर पहला क्या है? 0.93, फिर क्या है? 0.86, फिर क्या है? 0.79 तीसरे साल का, और फिर ये भी तीसरे साल का 0.79। ये तुम्हें पता है एंड ऑफ ईयर वन इज 31 मार्च 2006, ये 2007 है और ये 2008 है, ऐसा ही है क्या? अब मैं इन तीनों को सम कर लूंगा तो क्या मेरे लोन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? क्या मेरे लोन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? जी सर आ जाएगी। अब इसके बाद छोड़ना एक लाइन और टोटल वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल लिख देना यहाँ पे। कितनी गिवन है सवाल में? सर 40,000 गिवन है, मैं लिखती यहाँ पे। अब सर इक्विटी क्या होती है? सर इक्विटी लाइबिलिटी और टोटल का जो डिफरेंस होता है वो मेरी इक्विटी होती है। तो मैंने 40,000 में से लाइबिलिटी वाला एलिमेंट माइनस कर दिया तो 2208 मेरी इक्विटी आ गई। क्या यहां तक किसी को कोई मसला? क्या यहां तक किसी को कोई मसला? अब सर क्या ये जो लाइबिलिटी है इसको हम ट्रीट करते थे ना IFRS 9 में फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट एमोर्टाइज कॉस्ट? तो सर क्या एमोर्टाइज कॉस्ट का चार्ट बना लेते हैं? जी सर। वो क्या बनता है? ईयर एंड डेट ब्रॉड डाउन इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर इंटरेस्ट पेड फिर एमोर्टाइजेशन और फिर कैरेट डाउन। ऐसा ही होता था जी? क्या सबने ऐसा ही पढ़ा था? सर मैंने ये लोन इशू किया है 1st of April 2005 को। सर पेमेंट के लिए याद रखना पेमेंट का फॉर्मूला हमेशा एक ही होता है। तुम्हें जब भी इंटरेस्ट की पेमेंट निकालनी हो याद रखना
पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, ये तुम्हारा इंटरेस्ट पेड आ जाएगा। अब सर मैंने 1 अप्रैल X5 को लोन इशू किया और पहला साल मेरा एंड हुआ 31 मार्च X6 को, सही है जी। सर मेरे लोन की वैल्यू क्या थी? जो थी वो मैंने ब्रॉड डाउन वाली जगह पे लिख दी, 37,792। अब याद रखना सर, इंटरेस्ट हमेशा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि मार्केट रेट ऑफ बॉन्ड विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। तो सर वो कितना रेट है? मैंने बोला 8% है, तो मैंने ब्रॉड डाउन को 8% से मल्टीप्लाई कर दिया। सर पे मैं कितना करूंगा? मैंने बोला पे मैं करता हूं पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, ये आ गया मेरा। सर 3023 पे करना था, 2400 पे किया, तो इसका मतलब 623.36 मैंने पे नहीं किया है, तो मैंने बोला इससे मेरे लोन की लायबिलिटी अमाउंट बढ़ा देना। क्या सबने इसी तरह की वर्किंग पढ़ी थी IFRS 9 कन्वर्टेबल की? सर क्या मुझे X7 की वर्किंग करने की ज़रूरत है? नहीं सर, X7 की वर्किंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वजह क्या थी? सर वजह यह है कि मेरा साल ही खत्म हो रहा है, मेरा ईयर एंड डेट क्या है सवाल में? सर मेरी ईयर एंड डेट है 31 मार्च X6, तो मुझे दूसरे साल के वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोला ये तुमने वर्किंग नंबर 1 कर ली, कोई टेंशन नहीं है, आओ ज़रा वर्किंग नंबर 2 पे चलते हैं। वर्किंग नंबर 2 की मैंने हेडिंग डाल देता हूँ। वर्किंग नंबर 2 मुझे पढ़ के बताओ कि ये क्या चीज़ है। वर्किंग नंबर 2 मुझे पढ़ के बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है। हमने क्या बोला, जैसे ही एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना हम फौरन स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। जरा मुझे वर्किंग नंबर 2 पढ़ के बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है ये। सर वर्किंग नंबर 2 को पढ़ के बताएं कौन सा स्टैंडर्ड है। सर जब मैंने वर्किंग नंबर 2 पढ़ी, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एट 66.3 मिलियन। सर प्रॉपर्टी है, रीवैल्यू की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? IS-16 है ये। अब जैसे ही तुमने IS-16 के एडजस्टमेंट देखी ना, जाके मुझे ट्रायल बैलेंस में तुमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि तुम्हारे पास IS-16 वाले कौन कौन से एसेट्स पड़े हुए हैं। बताओ तुम्हारे पास IS-16 वाले कौन कौन से एसेट पड़े हुए हैं। सर क्या ये प्रॉपर्टी है IS-16 वाली मेरे पास? क्या ये प्लांट IS-16 में आता है? क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारी IS-16 में आती है? क्या ये तुम्हारे पास IS-16 वाली चीजें? तो बोला जो भी चीजें हैं ना तुम यहां लिख दो। सबसे पहले क्या चीज थी तुम्हारे पास? प्रॉपर्टी, तुमने लिख दिया। और थोड़ी सी जगह छोड़ के तुम दूसरा क्या था? प्लांट था, वो भी तुमने लिख दिया, सही है। अब कॉस्ट, इसका कुछ एक फॉर्मेट बनवा रहा हूं, तुम लिख लेना कैसे होता है। कॉस्ट या वैल्यूएशन एट स्टार्ट ऑफ द ईयर लिख लो यहां पे। बताओ कितनी कॉस्ट या वैल्यूएशन है मेरी साल के स्टार्ट में? प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है? सर 75,000 लिख दी मैंने, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। सर जाके मैंने देखी प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? सर 15,000 है। और यही चीज तुमने यहां भी कॉपी कर ली प्लांट में भी। प्लांट की तुम्हारी कॉस्ट कितनी है साल के स्टार्ट में? सर 72,100। और प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास 28,100। तो हम बोलेंगे नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी हो गई है मेरी? सर प्रॉपर्टी की हो गई है 60,000 और प्लांट की हो गई है 44,000। क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एट 66.3 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2025। सर डायरेक्टर्स ने क्या बोला, किस दिन रीवैल्यू करनी है? अब सर गेम आता है, सर किस दिन रीवैल्यू करनी है बताओ, साल के स्टार्ट में या मिड में? बताओ साल के स्टार्ट में रीवैल्यू करनी है या मिड में करनी है या एंड में करनी है? सर अक्टूबर, मेरा साल एंड हो रहा है 31 मार्च X6 को, स्टार्ट होगा सर 1 अप्रैल X5 को, तो मिड कहाँ हुआ? सर अक्टूबर X5, यानी कि मुझे मिड में करनी है।
तो क्या पहले मुझे मिड की बुक वैल्यू पे आना पड़ेगा? क्या मुझे मिड की बुक वैल्यू पे आना पड़ेगा? जी सर, डेप्रिसिएशन फॉर 6 months to 1st October 2005. अब सर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है। सर यहाँ सवाल में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। प्रॉपर्टी को स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएट करते हैं। क्या मुझे लाइफ गिवेन है? क्या मुझे प्रॉपर्टी की लाइफ गिवेन है? जी सर गिवेन है 25 years। ये रही गिवेन थी ना, तो बताओ कितने महीने की डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करनी है अभी? क्या मुझे जल्दी से मुझे बता दो कितने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूँगा मैं अभी 6-6 महीने की? सर स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन होती है तो मैंने बोला कॉस्ट को डिवाइड करता हूँ मैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्या मेरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई? क्या मेरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई है? जी सर आ गई है। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ, ये हो गई मेरी नेट बुक वैल्यू एट 1st October 2005। कोई मसला? अब क्या गिवन है तुम्हें सवाल में? आओ तो आगे पढ़ते हैं। ट्रायज कंपनी, अच्छा कितने पे रिवैल्यू किया है मैंने? मेरी रिवैल्यू अमाउंट कितनी है? 66.3 मिलियन है। यानी कि एक लाइन छोड़ के तुम लिख दो रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है। 66,300 लिख दूं? क्या 66,300 लिख दूं? जी सर लिख दें। तो क्या तुम्हारा रीवैल्यूएशन गेन आ सकता है यहाँ पे? 66,300 माइनस 58,500 यानी कि 7,800 इज़ योर रीवैल्यूएशन गेन। कोई मसला? क्या कोई मसला यहाँ तक किसी को? अब क्या मुझे फर्दर 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? क्या मुझे फर्दर 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? जी सर करनी है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 months टू 31 March 2006 कितनी चार्ज होगी? आप मुझे जल्दी से बता दो। अब बताओ डेप्रिसिएशन 75,000 पे चार्ज होगी या 66,300 पे चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन 75,000 पे चार्ज होगी या 66,300 पे चार्ज होगी? 66,300। अब मुझे पता है सर 66,300 पे चार्ज होगी, लेकिन अब बताओ ओरिजिनल 25 years पे चार्ज होगी या रिमेनिंग लाइफ पे चार्ज होगी? 25 years पे चार्ज होगी या रिमेनिंग लाइफ पे चार्ज होगी? सर रिमेनिंग लाइफ पे चार्ज होगी। तो आओ जरा रिमेनिंग लाइफ देखी लिखी हुई सवाल में कहीं, लेकिन क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ रिमेनिंग लाइफ? सर ओरिजिनल लाइफ कितनी थी? ओरिजिनल लाइफ 25 years थी। तो 75,000 को अगर मैं क्या मेरा डेप्रिसिएशन पर ईयर 3,000 आएगा? क्या मेरा डेप्रिसिएशन पर ईयर 3,000 आया था ओरिजिनली? साल के स्टार्ट में बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था तुम्हारा? साल के स्टार्ट में तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 15,000 था। यानी कि मैं अगर मैं देखूं कितने महीने का चार्ज हो गया, तो मैंने पहला 15,000 डिवाइडेड बाई 3,000 तो इज इक्वल्स टू 5 years हो गया कि 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली थी हमने साल के स्टार्ट में। क्या साल के स्टार्ट में मैंने 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली थी? क्या साल के स्टार्ट में मैंने 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली थी? जी सर कर ली थी। अभी कितनी और कर ली? मैंने बोला 0.5 year फिर मैंने खुद और की, तो बोला तुमने 5.5 साल चार्ज कर लिया, 25 ओरिजिनल था, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची तुम्हारे पास? 19.5 years तुम्हारी बच गई रिमेनिंग लाइफ। ऐसा ही है, रिमेनिंग लाइफ तुम्हारी कितनी बची है सर? 19.5 years। तो मैंने बोला 66,300 डिवाइडेड बाई 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, 6 महीने की चार्ज करनी है। कोई मसला तो नहीं है? तो मैं ये बोलता हूँ नेट बुक वैल्यू एट 31 March 2006। क्या यहाँ तक क्लियर है हमारी बात? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आगे पढ़ते हैं। प्लांट की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, ये बातें सारी पढ़ ली, आगे पढ़ते हैं। इक्विपमेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड
प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कि तुम्हें प्लांट और इक्विपमेंट को किससे चार्ज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 15%, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल के एक साथ कैलकुलेट कर लो कितनी इसका 15%, कोई मसला? तो मैं बोलता हूँ ये आ गई नेट बुक वैल्यू एट 31 मार्च 2006 आ गई। क्या वर्किंग नंबर टू भी मेरी पूरी हो गई है? आओ जरा वर्किंग नंबर थ्री पढ़ते हैं। इन सेप्ट वर्किंग नंबर थ्री की हेडिंग डाल दो, इन सेप्टेम्बर 2005 द डायरेक्टर्स ऑफ ट्राइज कंपनी डिस्कवर्ड अ फ्रॉड। कब पता चला सर? साल खत्म होने से 6 महीने पहले सेप्टेम्बर में पता चला कि एक फ्रॉड हुआ है। इन टोटल 700,000 विच हैड बीन इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स इन द अबव ट्रायल बैलेंस हैड बीन स्टोलन बाय एम्प्लॉय। बोला कुछ 700,000 के रिसीवेबल ऐसे थे जो कि एम्प्लॉय ने चोरी कर लिए थे, यानी कि पैसे आ गए एम्प्लॉय ने अपने जाती अकाउंट में, इसको जाती अकाउंट में जाकर डाल दिया। अभी आ रहे हैं इस पर बेटा, अभी आ रहे हैं, डेफर टैक्स पर भी आऊँगा मैं। आगे पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या अब जब रिसीवेबल चोरी हो गए क्या मुझे मिलेंगे, क्या ये मुझे रिसीवेबल मिलेंगे? नहीं सर, नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बुक्स में रिसीवेबल्स क्रेडिट होने चाहिए। मैंने बोला रिसीवेबल क्रेडिट कर दो, कितने से? 700 से कर दिया, सवाल में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते, 450,000 ऑफ दिस रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005। बोला इसमें से 450 ऐसे थे जो किस साल के थे? सर पिछले साल के थे। तो सर IS-8 ने क्या बोला? पिछले साल की जो एडजस्टमेंट है वो करंट ईयर में होती है, रिटेन अर्निंग में होती है। जो पिछले IS-8 ने क्या बोला था? पिछले साल का फ्रॉड या एरर जो भी होगा वो पिछले साल में जाके एडजस्ट होगा या करंट ईयर में होगा? सर IS-8 ने बोला था कि पिछले साल का एरर पिछले साल में होगा, यानी कि तुम रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करोगे उसको। तो मैंने बोला रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितने से? 450 से। आगे क्या लिखा हुआ है? द रेस्ट टू द करंट ईयर, बाकी क्या था जो करंट ईयर का था? तो करंट में तुमने बोला कि एक्सपेंसेस तुमने अपना PNL डेबिट कर दिया कितने से? 250 से। 450 सर रिटेन अर्निंग में क्यों लिखे गया? रिटेन अर्निंग में 450 इसलिए लिखे गया कि मैंने बोला ये तो पिछले साल का था। सर 250 PNL में, जो करंट ईयर में चोरी हुए वो तो करंट ईयर में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। और सर रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया? मैंने रिसीवेबल क्रेडिट इसलिए किया कि अब मुझे ये पैसे नहीं मिलने। आगे पढ़ते हैं, द डायरेक्टर्स आर होपफुल दैट 50% ऑफ द लॉसेज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर इंश्योरेंस। बोला ये लॉस जो है 50% तुम्हारे इंश्योरेंस तुम्हें दे देंगे। सर IS-37 का टच भी आ गया, क्या वर्चुअली सर्टेन है, प्रोबेबल है, पॉसिबल है, रिमोट है? सर सबसे पहले हम देखते हैं ये IS-37 में इनफ्लो कैसे। जी सर इनफ्लो कैसे पैसे आएंगे अगर मुझे मिलेंगे इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे, इनफ्लो है। सर इनफ्लो क्या हुआ? सर प्रोबेबल है, 50% समझ लो प्रोबेबल चांसेस देना मुझे पैसे मिलने के। जी सर, लेकिन क्या IS-37 ने तुम्हें ये कहा था कि जब भी प्रोबेबल इनफ्लो हो तो एसेट रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर, IS-37 ने तुम्हें कहा था कि जब भी तुम्हारा प्रोबेबल इनफ्लो होगा तुम उसको डिस्क्लोज करोगे एस कंटिंजेंट एसेट। सही है भाई? तो क्या मुझे इसको कुछ करना है? नहीं सर, ये तो डिस्क्लोजर है और डिस्क्लोजर तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हाली एग्जामिनर ने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट भी कर दिया था 50% अमाउंट से। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो और जल्दी से स्टैंडर्ड मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो। वर्किंग नंबर 4 पढ़ो और स्टैंडर्ड मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो कौन सा स्टैंडर्ड है। जल्दी से वर्किंग नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो और स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करके बता दो कौन सा स्टैंडर्ड है। बेहतरीन सर IS-12। जब भी तुम्हारे पास IS-12 की एडजस्टमेंट आए तुमने कुछ भी नहीं करना। एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, तुमने सिर्फ वो ट्रिक
फॉलो करनी है फाइनल अकाउंट के सवाल में, तुम्हारा पूरा सवाल यूँ हो जाएगा। एक प्रोफॉर्मा बना रहा हूँ तुम्हें, वो करना है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें लिखना है, अंडर या ओवर प्रोविजन, फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स। सही है, तो जो भी तुम्हारा आएगा ये तुम्हारा आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और इंक्रीज या डिक्रीज के लिए तुम एक अलग वर्किंग कर लो, डी टी एल कैरेट डाउन लेस डी टी एल ब्रॉड डाउन, फिर आएगा तुम्हारा इंक्रीज इन डी टी एल लेस टेक इन टू ओ सी आई, टेक इन टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो आ जाएगा तुम्हारा नेट टेक इन टू पी एन एल। अगर तुमने आई एस 12 में ये वाला प्रोफॉर्मा बना लिया ना, अब तुम देखना तुम आई एस 12 की वर्किंग करते कैसे स्पीड में हो। हाउ इज़ द एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, याद रखना ये फॉर्मेट, तुम प्रोविजन फॉर टैक्स, अंडर या ओवर प्रोविजन, इंक्रीज या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स, इन तीनों को जब तुम सम कर लोगे ना तो तुम्हारा ये आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। और इंक्रीज या डिक्रीज सब चीज़ें तुम्हारे सवाल में गिवन है, खाली तुम्हें बोलूँगा उठा के फिगर्स डाल दो यहाँ पे, तो तुम्हारा सब चीज़ें खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। पढ़ते हैं सर, अ प्रोविजन ऑफ 2.7 मिलियन इज रिक्वायर्ड फॉर करंट इनकम टैक्स ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2026। बोला तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गिवन है, 2700 लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, कोई टेंशन तो नहीं है। आगे पढ़ते हैं, द बैलेंस ऑन करंट टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस इन द इज द अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर। बोला जो ट्रायल बैलेंस में तुम्हारे करंट टैक्स का बैलेंस आ रहा है ना, वो पिछले साल का अंडर या ओवर प्रोविजन है। आओ जरा देखते हैं वो क्या चीज़ है। सर करंट टैक्स में कितना बैलेंस आ रहा है तुम्हारे पास, 700, बताओ अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन है। हमेशा याद रखना अगर ट्रायल बैलेंस में तुम्हारे पास डेबिट साइड पे आता है तो अंडर प्रोविजन होता है, याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर तुम्हारे पास डेबिट साइड पे आता है तो अंडर प्रोविजन होता है, और क्रेडिट साइड पे आता है तो ओवर प्रोविजन होता है। सर आईएएस 12 में बेसिक हम ये पढ़ाते हैं कि जब भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे तुम्हारे करंट टैक्स का बैलेंस आ रहा है तो ये अंडर प्रोविजन होता है, विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स एक्सपेंस, और अगर क्रेडिट साइड पे आता है तो दैट शोज ओवर प्रोविजन एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इनकम टैक्स। तो सर अब ये क्या चीज़ है, सर मैंने बोला ये अंडर प्रोविजन था, कितने का था सर, 700 का था, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया, अगर ओवर होता तो इसको मैं माइनस 700 लिखता, लेकिन चूंकि प्लस है तो मैंने प्लस में लिया, अंडर प्रोविजन है, मैंने अपने ट्रायल बैलेंस को बढ़ा दिया। आगे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट को, इन एडिशन टू द टेम्पररी डिफरेंसेस रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन इन नोट टू अबव एट 31 मार्च 2026, द कैरिंग अमाउंट ऑफ ट्राइज कंपनीज नेट एसेट्स आर 12 मिलियन मोर देन देयर टैक्स बेस। बोला सर तुम्हारे टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, क्या लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट, यानी कि ये डिफरेंस कौन से हैं। सर आईएएस 12 बोलता है जब भी तुम्हारी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, टैक्स बेस कम हो, तो तुम्हारे आते हैं टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस। अब तुम्हें टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस कितने गिवन है, सर यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैरेट डाउन कैलकुलेट कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारे पास टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस सवाल में कितने गिवन है, 12,000। लेकिन मेरी तुमसे एक और रिक्वेस्ट, ज़रा मुझे पढ़ के बताओ क्या इस 12 मिलियन में, 12,000 में जो आईएस 16 में जो प्रॉपर्टी रीवैल्यू हुई थी इस पॉइंट नंबर 2 में, क्या इसका डिफरेंस शामिल है या नहीं है, इसने क्या लिखा हुआ है, नहीं शामिल है। इन एडिशन टू द टेम्प्रेरी डिफरेंस रिलेटिंग टू द इन्फॉर्मेशन इन नोट टू अबव, यानी कि पॉइंट 2 में जो तुम्हारा टेम्प्रेरी डिफरेंस आया था उसके अलावा 12 मिलियन के टेम्प्रेरी डिफरेंस और शामिल हैं। तो सर पॉइंट 2 में तुम्हारा टेम्प्रेरी डिफरेंस कितना आया था, आओ जरा देखते हैं, 7,800 का आया था। सर टेम्प्रेरी डिफरेंस रिवैल्यूएशन में कितना आता है, जितना रिवैल्यूएशन गेन होता है, आईएएस 12 में हम पढ़ के आए थे कि जितना प्रॉपर्टी अपवर्ड वैल्यू होती है उससे हमारा टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सरकार तुम्हारे रिवैल्यूएशन को नहीं मानती, सरकार बोलती है आईएएस 16 तुम्हें जो भी कहता है मैं तुम्हारे लिए रिवैल्यूएशन को नहीं मानती। तो अब जब सरकार इस रिवैल्यूएशन को नहीं मानेगी, इसका मतलब सरकार 7,800 से प्रॉपर्टी को अपवर्ड वैल्यू नहीं करेगी, जब सरकार रिवैल्यूएशन को प्रॉपर्टी को 7,800 से अपवर्ड वैल्यू नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या मेरा ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला 12,000 का गिवन है और 7,800 के और मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब टोटल टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है, सर 19,800।
क्या सवाल में टैक्स रेट गिवन है? जी सर गिवन था यहाँ पे, ये रहा एडजस्टमेंट नंबर टू में इसने गिवन था 20%. मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से. अब याद रखना, तुम दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो तुम ब्रैकेट लगा देना दोनों फिगर्स से पहले. दोनों फिगर से पहले ब्रैकेट लगाओगे तो ही वो दोनों से होंगी, वरना एक फिगर तुम्हारी मल्टीप्लाई हो जाएगी. अब क्या करना है मुझे? सर क्या डेफर टैक्स लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन मेरे पास है? जी सर, ट्रायल बैलेंस में गिवन है. आओ जरा देखते हैं कितनी है. 3200 ये गिवन सवाल में, लिख ली मैंने 3200. बताओ तुम्हारा डेफर टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर साल के एंड में 3960 था, साल के स्टार्ट में 3200 था, बढ़ के हो गया 3960 था, यानी कि 760 से इंक्रीज हो गया है. क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्या यहाँ तक कोई मसला किसी को? क्लास को इंटरैक्टिव बनाएंगे प्लीज. अब सुनो सर, मुझे अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना लेके जाना है? मुझे पता है कि जितनी मेरी प्रॉपर्टी अपवर्ड वैल्यू होती है उससे मेरा डेफर्ड टैक्स ओसीआई में भी जाता है. तो अब मैं क्या करूंगा? सर मेरी प्रॉपर्टी अपवर्ड कितने से वैल्यू हुई थी? सर मैंने देखा था मेरी प्रॉपर्टी अपवर्ड वैल्यू हुई थी 7800 से. अब क्या करूं मैं? सर मैंने बोला 7800 मल्टीप्लाइड बाई 20% का जो डेफर्ड टैक्स का इंक्रीज है ना, वो मेरा जाएगा कहाँ पे? वो मेरा जाएगा हमेशा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, नॉक ऑफ होगा. तो अब मेरा क्या बना, 760 में से रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो जाना है वो माइनस कर दिया. तो इसका मतलब पीएनएल में कितनी अमाउंट जा रही है? माइनस में 800 जा रही है, ये तुमने नीचे से रेफर कर दिया. सही है जी. तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो गया? 2600 हो गया. सर मेरा प्रॉपर डेफर्ड टैक्स का नेट इंक्रीज था 760, लेकिन जब मैंने उसको फर्दर स्प्लिट किया है, जब मैंने उसको फर्दर स्प्लिट किया है तो मैंने बोला 1560 कैसे आया? सर 1560 आया रिवैल्यूएशन गेन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट. रिवैल्यूएशन गेन मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये तुम्हारा जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से, नॉक ऑफ होगा. बोला बाकी जो भी अमाउंट बचेगी ना इंक्रीज या डिक्रीज की, वो तुम्हारी कहाँ जाएगी? पीएनएल में जाएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगी. वो यहाँ से उठेगी 800 से, यहाँ से उठी, यहाँ से उठ के यहाँ आ गई तुम्हारी. सही है. अब सुनो जरा एक बात, तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 2600 आ गया. क्या मैंने सारी वर्किंग कर ली अपनी? क्या मैंने सारी वर्किंग्स कर ली अपनी? क्या यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अब सुनो, अब मुझे जो रिक्वायरमेंट थी ना वो मैंने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहली हेडिंग मेरी कौन सी होती है? एसेट्स. उसमें नॉन करंट एसेट्स, फिर थोड़ी जगह छोड़ के तुम लिख दो करंट एसेट्स. फिर आ जाओ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे, पहली हेडिंग डाल दो इक्विटी, फिर थोड़ी जगह छोड़ के डाल दो नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर थोड़ी जगह छोड़ के तुम डाल दो करंट लाइबिलिटीज. सही है, ये तुमने हेडिंग डाल दी. अब जो हमने ट्रायल बैलेंस छोड़ा है ना वहां पे, हमने उसको पढ़ना शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि भाई क्या चीज हमें कहां पार्क करनी है. पढ़ना शुरू करें ट्रायल बैलेंस को. सर इक्विटी शेयर्स कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाएंगे. क्या पहली अमाउंट क्या है? सर इक्विटी शेयर्स है मेरे 50,000 के. जी सर इक्विटी शेयर्स है. तो क्या मैं इक्विटी में लिख दूं जाके शेयर कैपिटल? कितना सर? 50,000 लिख दिया मैंने यहां पे. अगली चीज क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स एट 1st अप्रैल 2025 कितनी है? 3500. क्या ये भी यही जाएंगी मेरी? कोई मसला? सर इसके बाद ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. सर क्या यही वो फिगर है जिसको मुझे एडजस्ट करना है? क्या यही वो फिगर है जिसको मुझे एडजस्ट करना है? क्या यही वो फिगर है जिसको मुझे एडजस्ट करना है? जी सर इसको मुझे एडजस्ट करना है. तो क्या मैं इसके अपने रिक्वायरमेंट ए में लिख लूं प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना है?
सर 30,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई मसला तो नहीं है। आगे सर 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स कहाँ जाते हैं, 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स बैलेंस शीट में जाएंगे? लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये 40,000 की फिगर जाएगी या जो मैंने वर्किंग की है वो जाएगी, क्या ये फिगर जाएगी या जो मैंने वर्किंग की है वो जाएंगी? सर जो हमने वर्किंग की है वो जाएगी, तो याद रखना। सर बताओ कन्वर्टेबल लोन नोट्स मेरी करंट लाइबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी है? मैंने बोला मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है, मैंने 6% कन्वर्टेबल लोन नोट्स खाली लिख दूंगा, पोस्टिंग बाद में करूंगा। और यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा, इक्विटी पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल। क्या दोनों चीजें लिख दी मैंने? अमाउंट क्या लिखनी है बाद में बताऊंगा, जैसे ही 40% 6% कन्वर्टेबल लोन नोट है। मैंने बोला इसके लिए दो चीजें होती है, नंबर वन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और फिर इक्विटी। मैंने बोला अलग अलग जाएगी, तो मैंने जाके लिख दिया इक्विटी के पोर्शन में इक्विटी लिख दिया और नॉन करंट लाइबिलिटी में 6% कन्वर्टेबल लोन नोट लिख दिया मैंने, कोई मसला तो नहीं आया था किसी को। आगे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या नॉन करंट एसेट में जाएगा बैलेंस शीट में? जी सर जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मेरा तुम लोगों से सवाल, क्या ये वाली फिगर्स सारी लिखूं या जो हमने वर्किंग की है वहां से आएंगी फिगर्स? क्या ये वाली फिगर आएंगी या जो हमने वर्किंग की है या वो वाली फिगर आएंगी? सर वर्किंग से आएंगी तो अभी थोड़ी देर छोड़ दो, वर्किंग वाली सब चीजें एक साथ पोस्ट करूंगा। सर फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है मेरे करंट एसेट में? जी सर है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। कितने हैं सर लिखते देखते जरा, 28,000। फिर क्या है मेरे अदर करंट एसेट कितने हैं? 9,300। सर फिर और क्या चीज है मेरी? करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है टोटल मेरी? 17,700। फिर है डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स मेरा क्या होता है? सर नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे। सर मेरा तुमसे सवाल, डेफर्ड टैक्स ये वाली 3,200 की फिगर उठाऊं या वर्किंग से उठा लूं? सर ये लूं या वर्किंग से लूं? सर वर्किंग से लेंगे बेहतरीन। इंटरेस्ट पेमेंट जो है क्या मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं अपनी IFRS 9 की वर्किंग में? 2,400 क्या ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये IFRS 9 की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं? क्या ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये मैं IFRS 9 की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं तो क्या मुझे अब कुछ करने की जरूरत है? नहीं। क्या ये करंट टैक्स मैं IS 12 की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं? क्या मैं करंट टैक्स IS 12 की वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं? जी सर कर चुका हूं, तो क्या मुझे अब कुछ करने की जरूरत है? नहीं। अब क्या करना है सर? मुझे अपनी वर्किंग में जो चीजें आ रही है वो प्लॉट करनी है। सर वर्किंग नंबर वन में मुझे बताओ क्या ये इक्विटी है मेरी? क्या ये 2,208 इक्विटी पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरा? इक्विटी पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट है क्या? ये जो 2,208 है इक्विटी पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट है? जी सर है, तो क्या मैं इसको यहाँ से लिंक कर दूँ? इज इक्वल्स टू 2,208 कर दिया। फिर मैं वर्किंग नंबर वन पे आया, बताओ क्या ये मेरी बैलेंस शीट में 38,415 की लाइबिलिटी जानी चाहिए? क्या ये मेरी बैलेंस शीट में 38,415 की लाइबिलिटी जानी चाहिए? तो क्या मैं 6% कन्वर्टेबल लोन नोट में नॉन करंट लाइबिलिटी को इससे रेफर कर दूं? कर दिया, कोई मसला तो नहीं है। वर्किंग नंबर वन में और क्या जाएगा मुझे बताओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,023 जाएगा या 2,400 जाएगा या कुछ भी नहीं जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,023 जाएगा या 2,400 जाएगा या कुछ भी नहीं जाएगा? सर पूरा 3,023 जाएगा क्योंकि इसने अभी तक प्रॉफिट में कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है। सुनो सर, क्या ये इंटरेस्ट तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है? क्या ये इंटरेस्ट तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है? जी सर पड़ा हुआ है, और प्रॉफिट अलग से पड़ा हुआ है। अगर ये प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ होता ना तो यहाँ पे तो फिर ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा नहीं आता। इसका मतलब अभी तक इसने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, तो तुम पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो सर ये कहाँ जाएगा? रिवाइज प्रॉफिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल लोन नोट। कितना सा जाएगा?
3023। क्लियर हो गई बात? क्या वर्किंग नंबर वन से और कोई चीज जाएगी तुम्हारी? क्या वर्किंग नंबर वन से और कोई चीज जाएगी? नहीं सर, नहीं जाएगी। सर वर्किंग नंबर टू में क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 64,600 बैलेंस शीट में जाएगी? क्या वर्किंग नंबर टू से तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 64,600 तुम्हारी बैलेंस शीट में जाएगी और 37,400 जाएगी तुम्हारी बैलेंस शीट में? तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रेफर कर दूं मैं? इज इक्वल्स टू 64,600 प्लस 37,400 कर दिया। वर्किंग नंबर टू में बताओ और क्या जाएगा? क्या डेप्रिसिएशन जाएगी प्रॉपर्टी की और प्लांट की? क्या डेप्रिसिएशन जाएगी तुम्हारी प्रॉपर्टी की और प्लांट की? क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में तुम्हारे? क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व भी जाएगा बैलेंस शीट में? जी सर जाएगा। तो आओ जरा इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन प्लांट। प्रॉपर्टी कितनी डेप्रिसिएशन? प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन याद रखना हमने दो हिस्सों में कैलकुलेट की थी। सबसे पहले ये 1500 की थी, सबसे पहले ये 1500 हमने कैलकुलेट की थी शुरू के 6 महीने की, और फिर हमने ये 1700 कैलकुलेट की थी आखिरी 6 महीने की। याद है ये बात? याद है ना ये बात? और प्लांट की डेप्रिसिएशन हमने कितनी कैलकुलेट की थी? ये चार्ज की कर दी मैंने। अगली बात क्या इक्विटी में रिवैल्यूएशन रिजर्व डाल दूं मैं? सर कितना? जितना मेरा एसेट अपवर्ड वैल्यू हुआ था ये वर्किंग की भी थी मैंने 7800 से। क्या वर्किंग नंबर टू को भी हमने फुल पोस्ट कर दिया है? क्या वर्किंग नंबर टू को भी मैंने पूरा पोस्ट कर दिया है? क्या वर्किंग नंबर टू को भी हमने पूरा पोस्ट कर दिया है? जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब का मुंतजर हूं मैं आपके। आगे बढ़ते हैं सर, वर्किंग नंबर थ्री पे आ जाऊं। वर्किंग नंबर थ्री में सर रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है, बताओ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट मतलब इंक्रीज या डिक्रीज? सर रिटेन अर्निंग जब भी डेबिट होती है तो इसका मतलब डिक्रीज होती है। कितने से हो रही है? मैं गया 3500 यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में, तो मैंने यहाँ जाके 450 से डेबिट हो रही तो मैंने माइनस कर दिया, कोई मसला। सर फिर यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 700 से क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस शीट में जाके ट्रेड रिसीवेबल में 700 माइनस कर दूं मैं अपने? अगला स्टेप सर वर्किंग नंबर थ्री में एक पीएनएल डेबिट हो रहा है 250 से, यानी कि एक अदद एक्सपेंस बुक करना है मैंने, क्या ये रिकॉर्ड कर लूं मैं? इसको क्या बोलूंगा? स्टोलन रिसीवेबल्स। क्या इसकी पोस्टिंग में किसी को कोई मसला? क्या इसकी पोस्टिंग में किसी को कोई मसला? अब आ जाओ जरा वर्किंग नंबर फोर में। क्या टैक्स एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड किया था, कैलकुलेट किया था? जी सर किया था। क्या टैक्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लूं? रेफर कर दिया मैंने यहाँ पे 2600 से। अब सर क्या डेफर्ड टैक्स मैंने रिकॉर्ड जो किया था उसको लिख लूं मैं, रेफर कर दूं? बताओ डेफर्ड टैक्स 3960 आएगा या 3200 आएगा? जल्दी बता दो मुझे, डेफर्ड टैक्स 3960 आएगा या 3200 आएगा? सर डेफर्ड टैक्स आएगा 3960 साल के आखिरी दिन का। आ गया अगली बात। सर ये जो रिवैल्यूएशन में मैं डेफर्ड टैक्स का इंक्रीज लेके गया था, क्या वहाँ से भी कुछ माइनस होगा मेरा? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को थोड़ा कम करूँगा, याद है ना?
कि मैंने बोला था डेफर्ड टैक्स का कुछ इंक्रीज तुम्हारा कहाँ जाता है? सर मैंने बोला डेफर्ड टैक्स का कुछ इंक्रीज रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी नॉक ऑफ होता है, वो कितना था 1560 का था, मैंने वहां से माइनस कर दिया। सर 4 से 5 देगा, इसके अलावा नहीं देगा, 4-5 एडजस्टमेंट आएंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब सर क्या वर्किंग नंबर 4 से कोई और एडजस्टमेंट पोस्ट होनी है? जल्दी से मुझे देख के बताओ, वर्किंग नंबर 4 में क्या ये मैंने पोस्ट कर दिया 2600? जी सर कर दिया। क्या ये पोस्ट कर दिया? क्या ये पोस्ट कर दिया मैंने? जी सर कर दिया। क्या कुछ और पोस्ट होना है? नहीं होना, जल्दी बताओ मुझे, क्या वर्किंग नंबर 4 में कोई और चीज पोस्ट होनी है? क्या वर्किंग नंबर 4 में कोई और चीज पोस्ट होनी है? याद रखना आईएएस 12 की वर्किंग हमने आसान की है ना, अब आओ तो इसकी पोस्टिंग सीखते हैं। सर ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, ये बोलना शोन एज करंट लाइबिलिटी इन एसओएफपी, प्रोविजन फॉर टैक्स शोन एज टैक्स एक्सपेंस इन पीएनएल, फिर ये शोन एज डीटीएल इन एसओएफपी, डिडक्ट फ्रॉम ये जो है रीवैल्यूएशन रिजर्व इन एसओएफपी। याद रखना आईएएस 12 की 4 पोस्टिंग है, नंबर 1 ये जो है तुम्हारा 2700, ये तुम्हारी करंट लाइबिलिटी में जाएगा एज प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो 2600 है ये तुम्हारी पीएनएल में जाएगा एज टैक्स एक्सपेंस, ये जो 3960 है तुम्हारी नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा इन एसओएफपी। यहां लिख देता हूं शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये जो रिवैल्यूशन का गेन है ये तुम्हारे रिवैल्यूशन रिजर्व से नॉक ऑफ होगा, 1560 तुम्हारे रिवैल्यूशन रिजर्व से नॉक ऑफ होगा बैलेंस शीट में। तो सर क्या मैंने ये 2700 अपनी बैलेंस शीट में दिखाया अभी तक? नहीं सर नहीं दिखाया, तो आओ जरा दिखाते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, सर क्या 2700 को पोस्ट कर दिया मैंने? क्या 2700 को पोस्ट कर दिया मैंने? क्या 2700 को पोस्ट कर दिया मैंने? जल्दी बताओ। जी सर कर दिया है। क्या ये टैक्स एक्सपेंस को पोस्ट कर दिया मैंने? जी सर कर दिया है। क्या इस 3960 को अपनी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में पोस्ट कर दिया? जी सर कर दिया। क्या इस 1560 को अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से नॉक ऑफ कर दिया? जी सर कर दिया है मैंने। क्या सारी पोस्टिंग हो गई है? जी सर हो गई है। अब आओ जरा आखिरी स्टेप कर लेते हैं। क्या रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हमने? जी सर कर लिया है। इसके ऊपर सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरा रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या मैंने रिवाइज प्रॉफिट निकाला? कैसे सर? इन सबको मैंने सम कर दिया, 14326.64। क्या मेरा रिवाइज प्रॉफिट आ गया? जी सर आ गया। अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनो, सर क्या इस रिवाइज प्रॉफिट से मेरी रिटेन अर्निंग बढ़ती है? क्या इस प्रॉफिट से मेरी रिटेन अर्निंग बढ़ती है? जी सर बढ़ती है। तो क्या मैं रिटेन अर्निंग बढ़ा दूं अपनी कितने से? प्लस, तुमने अपने प्रॉफिट से इसको रेफर कर दिया, कोई मसला तो नहीं है? क्या तुम्हारी सब चीजें हो गई हैं? जी सर मेरे करंट एसेट टोटल कितने हो गए? 102000, नॉन करंट एसेट 102000। सर करंट एसेट कितने हो गए मेरे? 130 करंट एसेट हो गए 36600, और मेरे टोटल एसेट्स हो गए 138600, लिख दिया तुमने टोटल एसेट्स। इसके बाद तुम्हारी टोटल इक्विटी कितनी हो गई तुम्हारी? तुमने सबको प्लस कर लिया। नॉन करंट लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी हो गई है? तुमने प्लस कर लिया। करंट लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी हो गई? तुमने इन सबको प्लस कर लिया। और टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी इक्विटी और लाइबिलिटी, और 138600 तुम्हारे टोटल एसेट्स। क्या कोई मसला इस सवाल में? सर ये सवाल मैंने इसलिए सेलेक्ट किया तुम लोगों के लिए कि इसके अंदर एक अदद था रिवाइज प्रॉफिट, जिसमें बच्चे थोड़ा टेंशन में आए थे। नंबर 2, इसमें मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे थे कि इसमें IAS 37, फिर IFRS 9 का कन्वर्टेबल,
फिर IS-8 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग वाली एडजस्टमेंट। अब ये बताओ क्या अब फाइनल अकाउंट से कोई डर है? अब सुनो एक बात, तुमने क्या करना है आखिरी, जब भी तुम पूरा एक्सेल का सवाल कर लो ना, जितने एरिया में तुमने लिखा हुआ है ना उन सबको सेलेक्ट करना, और क्या करोगे इस पे क्लिक करना, जो .00 बना हुआ है ना इस पे क्लिक कर देना, कोई टेंशन तो नहीं है। और अगर नहीं भी करो तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, एग्जामिनर ने तुम्हें फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। एग्जामिनर ने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम फॉर्मेट ऐसा करो, तुम फॉर्मेट ऐसा करो, तुम फॉर्मेट ऐसा करो, कोई मसला नहीं है। फॉर्मेट जैसा भी करो, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी, सही है? क्या एक्सेल का कुछ डर निकला हमारा? क्या एक्सेल का कुछ डर निकला है हमारा? अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनो सर, इसके अलावा विफी क्या कर रहा है आपके लिए? क्या ये व्हाट्सएप नंबर सबने नोट किया हुआ है? ये व्हाट्सएप नंबर तो मैं लिखा हुआ है सामने, क्या ये व्हाट्सएप नंबर सबने नोट किया हुआ है? इस व्हाट्सएप पे मैसेज नंबर मैसेज कर दो, एक हद हमने ग्रुप बनाया हुआ है। वो ग्रुप क्यों बनाया हमने कि उसमें मैं उस ग्रुप में मैं भी हूँ और तुम लोगों के पेपर जस्ट एक हफ्ते बाद है अब ना, तो उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कुछ शेयर्स करूँगा, नोट्स दूंगा कुछ अपने जो बिल्कुल लास्ट मिनट रिविजन होंगे। अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज होती है तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी ग्रुप पे ही। जब भी मसला उस ग्रुप पे मैसेज कर दो, तुम्हें विद इन 6 to 12 hours रिस्पांस मिल जाएगा तुम्हारी क्वेरी का। कोशिश करूंगा फौरन दे दो, नहीं तो 6 to 12 hours में तुम्हें रिस्पांस मिल जाएगा। अगली बात, ये जितने क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं ना, ये तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंसते हो कि सर इसमें आपके फॉर्मेट वाला सॉल्यूशन दे दे एक्सेल फॉर्मेट में, तो तुम्हें वो सारे भी मिल जाएंगे। कंसोलिडेशन के भी मिलेंगे और वही मिलेंगे। और लास्ट डे की जो तुम्हारे कुछ वॉइस नोट्स होते हैं, जो कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो तुम्हें लास्ट डे पे काम आएंगी, वो भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो इस ग्रुप नंबर में मैसेज कर दो, तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। और फीडबैक ज़रूर दे देना कि क्या तुम्हारा कुछ डर ख़त्म हुआ नहीं हुआ, कुछ समझ आई तुम्हें चीज़ें।